नहीं आया हो या समझने की इच्छा नहीं थी जो भी कोई हो एकदम बोल डाले बोले वेलकम टू ऑल ऑफ यू सभी को नमस्कार सभी को सत सभी को वेरी गुड इवनिंग जय राजदन लेट स्टार्ट शुरू कर दो जी आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई खाद एवं उर्वरक खाद एवं उर्वरक बेटा वाटर में पीएफ क्या होता है ये मैं सोयल साइंस में पढ़ाऊंगा बहुत इजी है वेरी इजी है ये डिनोट करता है कितने अमाउंट में पानी है ठीक है वो जी। मानस तो कितना कितना देंगे तो ज्यादा पैदावार देने वाली हाई इल्डिंग जो वेराइटी है वो वैसे ही खोलते बेटा सही नहीं चल रहे उनमें कितना मिलाते एनपीके तो लास्ट टाइम जब पडलिंग करेंगे ना भाई तो 100 किलो तो नाइट्रोजन देंगे 60 किलो तो फॉस्फोरस देंगे और 60 किलो ही दे देंगे पोडास, पोडास, पोडास। तो लास्ट टाइम पडलिंग कर रहे होंगे ना लास्ट टाइम पडलिंग कल हमने पढ़ा था पडलिंग भैया भरे पानी में ना पडलर चलाते हैं जिससे पानी नीचे जाने से रुक जाता है तो लास्ट टाइम से पडलिंग करेंगे तो उस समय साठ सो साठ साठ के दे देंगे एनपीके जिंक भी बहुत जरूरी है जिंक भी बहुत जरूरी है अदरवाइज खेरा हो जाएगा तो जिंक भी दे देंगे 25 किलो अपना क्या अपने को डालना है तो 100 किलो नाइट्रोजन डाल देने का 60 किलो फॉस्फोरस डाल देने का 60 के जी डाल देने का और जिंक डालते हैं पच्चीस के पर एक्टिव अब एक न्यूमेरिकल मैंने अक्सर कराया है पहले वाले क्लासों में उर्वरक की मात्रा निकालना तो देखिए आपको मान लो सो के जी देना है नाइट्रोजन सो के जी नाइट्रोजन देना है मान लेते आपके पास अमोनियम सल्फेट है तो कितना दोगे अमोनियम सल्फेट तो भैया इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते सिंपल सा फॉर्मूला है अगर मुझे अमोनियम सल्फेट में होता कितना है 20 परसेंट वैसे तो 20.5 होती है लेकिन 20 परसेंट न्यूमेरिकल में चल जाता है तो देना कितना है आपको सो के जी नहीं भाई सो 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 था ना बीसो हंड्रेड के जी देना है हंड्रेड के जी देना है ठीक है तो अगर मुझे मान लो बीस के जी ही देना होता है इससे सूत्र बना रहा हूं मैं अगर मुझे बीस किलो नाइट्रोजन ही देना था मान लो तो कितना लेना पड़ता अमोनियम सल्फेट सो किलो क्योंकि सो किलो में कितना होता है बीस किलो सो किलो में कितना होता है भाई बीस किलो क्योंकि बीस परसेंट होती है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन अगर मुझे एक किलो ही देना होता तो तो हो जाता सो बटा 20। सिंपल राइट अब देखो देना हा हो गया ना भाई हो रहा है अब देना कितना है मुझे 100 किलो देना है तो 100 किलो के लिए 100 बटा बीस इंटू सो इंटू सो सही अब ये वाला 100 कौन सा है भाई ये वाला 100 ये वाला 100 है जो देने जा रहे हैं आप ये वाला राइट है और ये वाला 100 कौन सा है ये परसेंटेज वाला 100 है कि सो किलो मिलता है बेटर है भाई आ रहा है चलो इसको सौ को एक बार छोड़ो क्योंकि सौ सौ से आपके मिक्स हो जाएगा मान लो हमें अस्सी किलो ही देना होता है सपोज हमें अस्सी किलो ही देना होता तो वो तो बीस किलो के लिए सौ किलो ही डालना पड़ता एक किलो के लिए सौ बटा बीस और यहां पर अस्सी किलो के लिए कितना लेते आप अस्सी किलो के लिए ताकि आपको अलग अलग दे जाए सौ सौ मिक्स हो जाएंगे आपके तो कितना देते आप इंटू अस्सी यही तो करते हैं चूकी के सवाल बचपन से करते आ रहे हैं पांचवी क्लास से करते आ रहे हैं छठी क्लास से करते आ रहे हैं ऐसे करते हैं अब आप देखो इससे फॉर्मूला बना लो बताओ ये अस्सी क्या है ऊपर ऊपर तो आया अस्सी अस्सी क्या है दिए जाने वाले तत्व की मात्रा दिए जाने वाले तत्व की मात्रा कितना नाइट्रोजन आपको देना है मुझे अस्सी देना है तो देखो कैसे निकालते सूत्र कैसे बनाते हैं उर्वरक की मात्रा किलोग्राम में आ जाएगी बराबर ऊपर क्या लिखोगे ऊपर क्या लिखोगे अस्सी क्या है या दिए जाने वाले तत्व की मात्रा रिकमेंडेड डोज ऑफ न्यूट्रिय दिए जाने वाले तत्व की मात्रा सिंपल और ये सो क्या है ये परसेंटेज वाला सो है तो ये आ जाएगा इनटू ऊपर सो ये वाला सो अस्सी का तो मतलब यही तो हुआ ना कितना देना नाइट्रोजन अस्सी किलो देना था मान लो किसी का एरिया ज्यादा हो दो एक्टर में देना हो तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा दो से पांच एक्टर में देना है तो पांच से हो जाएगा तो यहां पर एक और बीच में लग जाएगा एरिया क्षेत्रफल, भाई सूत्र रट्टा रट्टा आज तक ही नहीं हम तो खुद ही बना लेते हैं सूत्र नट्टो वो तो इजी है भाई जी बिल्कुल इजी पढ़िया है बहुत इजी है एक और कर लो मान लो आपको फोसपोरस देना है अभी जो फोर्स है ना साठ किलो आपको साठ के जी फोसपोरस देना है आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट मान लेते एस एस, है। है एस एस पी है एस एस पी है एसएसपी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हर एक दो एग्जाम छोड़ के क्वेश्चन आते बेटा है ना भाई ठीक है तो एस एस पी कितना देना यह सूत्रों सवाल हो गया अब देखो एस एस पी सिंगल सिंगल सुपरपास होता कितना है कितना सोलह परसेंट होता है ये तो आपको आना चाहिए हर उर्वरक में मात्रा पता होनी चाहिए बढ़ा लो आपको देना कितना है ऐसे क्यों हो रहा मानस का क्या बढ़ा लो देना कितना है अगर मान लो मुझे 16 किलो ही देना होता 16 किलो फास्फोरस ही देना होता देने हेतु तो, तो मुझे कितना एस एस पी लेना पड़ता तो एस एस पी की मात्रा 100 किलो लेनी पड़ती कि नहीं पड़ती लेनी पड़ती भाई लेनी पड़ती सूत्र को रटो मत याद करो इसको कैसे समझो कैसे आप बनाए अगर मुझे एक किलो ही देना होता तो ये सो ए, सो ऊपर आते हमेशा ही तो लिख देते भैया सो ऊपर और इधर वाली संख्या हमेशा नीचे आती है पांचवी क्लास से आ रही है पांचवी से आ रही है ना बचपन से अब देना कितना है आपको साठ किलो देने के साठ किलो फोर्स देनी है पी टू ओ फाइव तो उसके लिए कितना चाहिएगा तो अब ये ये संख्या कहा आती है ऊपर आती है तो इनको पहले तो है जिसको लिख दो ये लिख दिया मैंने सोलह ऊपर है सो तो ये लिख दिया मैंने सो ये लिख दिया मैंने सो राइट और ये साठ ऊपर लिखते आगे लिखो चाहिए यहां लिखो एक ही बात है ये हो गया साठ इंटू अब मान लो किसी को एक एक्टर में देना है तो ठीक है सूत्र हो गए लेकिन किसी को दो एक्टर में देना है तो, तो इंटू दो हो जाएगा अगर कोई कहे कि मुझे दो एक्टर में देना तो उत्तर को दो से गुणा नहीं करोगे क्या मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या तो बस हो गया काम देख लो आप बना लो अब सूत्र सूत्री बन गया जो जिसको बता रहा उसको लिखते जाओ उर्वरक की मात्रा बराबर लिखते जाओ साठ क्या था दिए जाने वाले तत्व की मात्रा फोसफोरस की मात्रा थी तो दिए जाने वाले तत्व की मात्रा के जी में आएगी दो क्या है एरिया हेक्टेयर तो क्षेत्रफल किसमें आता है हेक्टेयर इनटू ऊपर क्या था सो लो भाई सो अभी नीचे सोलह क्या थी सोलह सिक्सटीन क्या थी ये तो उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा थी तो नीचे क्या आती है में, तत्व की मात्रा लो भाई फॉर्मूला बन गया बिना रट्टे बिना रट्टे फॉर्मूला बन गया थोड़ी लाइट ज्यादा क्या की बेटा फोन जा, अब ज्यादा कम हो गई सही है तो क्या आप फॉर्मूले रटने में विश्वास रखते हैं या फॉर्मूले बनाने में विश्वास रखते हैं अगर रटे रटने वाले हैं तो ये मान लेना जीवन की बड़ी गलती कर रहे हैं आप और अगर आपको बनाना आ गया तो भैया कभी जिंदगी में भूल भी जाओ तो दोबारा बन जाता ही। ऐसे है ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं हम्म एक एग्जाम्पल और बताऊ चलो भाई एक एग्जाम्पल एक और बता दो जी लो जी बता देते चलो दूसरा बताता तो। हूं आपको देना है मान लो अभी एक साठ किलो पोटास था तो आपको मान लो साठ किलो पोटास देना है पोटास बोले तो केट आपका एरिया किसान का मान लो एरिया है वो तीन हेक्टेयर है किसान का एरिया तीन हेक्टेयर है ठीक है किसान कितने एरिया में देना चाह रहा है तीन हेक्टेयर में अब सोचो उसके बाद उसके पास मान लेते कि म्यूरेटो पोटास उर्वरक है म्यूरेट ऑफ पोटास म्यूरेटो पोटास के पास तो कितनी मात्रा आएगी अब आपको यह जरूर आना चाहिए यह इतना तो आना चाहिए कि म्यूरेटो पोटास में कितनी होती है पोटास ये कोई नहीं बताएगा आपको यह तो सबकी उठा आनी चाहिए तो मैं आपको बता दू म्यूरेटो पोटास में होती है साठ परसेंट भाई दो ही तो फर्टिलाइजर आते हैं एक एमओपी आता है बेटा पोटेशियम मेन एक एसओपी आता है एमओपी में तो होती है साठ एस एस में होती है पचास इसको याद करने का तरीका भी है देखो आप ये लगता है कैसा है पचास एस ओ पचास की तरह लगता है तो इसमें होती भी पचास ही है। हाँ? हाँ? ये लगता है कैसा है एस ओ एस बोले तो पांच की तरह है, ओ बोले तो जीरो की तरह हो गया पचास रटने की जरूरत ही नहीं है राइट है तो एक तो ऐसे याद हो गया और एक जो है ना पहले इसमें जैसे अंग्रेजी की एबीसीडी में एम पहले आता है एस बाद में आता है तो आगे आने वाले जो होते हैं ना लोग उनको बढ़िया चीज मिलती है आगे आने वाले लोगों को बढ़िया चीज मिलती है इसका मतलब ज्यादा किस, कौन ले जाएगा एम क्योंकि एम पहले आ गया एम पहले आ गया साठ परसेंट लेके चला गया मोटी कचोरी उठा के ले गया ऐसे भी याद करते हैं ऐसे भी याद रखते हैं कि म्यूरेटो एमओपी एम पहले आ गया मोटी कचोरी उठा ले गया मतलब ज्यादा मात्रा एम के पास रहेगी एमओपी के पास एसओपी के पास पचास ही रहेगी एसओपी के पास कम रह जाएगी बेचारे के पास तो दो तरीके हो गए याद करने के एसओपी ओ पी लगता ही एस ओ पचास की तरह एक और हां एक मोटी कचोरी वाला भी याद हो गया ऐसे कर लिया हो गया भाई अब इससे निकालते हैं अपन तो इसको छोड़ो ये अपन ये ये तो याद है आपको वैसे भी ये सवाल हल करते हैं अब देख रहे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में हर एक दो साल में छोड़ के या कंटिन्यूसली भी क्वेश्चन आ रहा है बेटा एग्जाम में तो देखो अब मान लो मुझे अभी कितना परसेंट रखता है एमओपी पोटाश 60% तो मान लो मेरे को केवल 60 किलो ही देनी होती 60 किलो ही अगर मुझे कितना किस में कितना पोटास है एमओपी में 60 किलो पोटास है तो मुझे अगर 60 किलो ही पोटास देना होता तो परसेंट के हिसाब से बताओ मुझे 100 किलो लेना पड़ता कि नहीं 100 किलो एमओपी लेता कि नहीं लेता लेता भाई 100 किलो लेता मैं उसके बाद मुझे 1 किलो ही देना होता तो तो भैया 100 बटा साठ अब देना कितना है देना कितना है भाई साठ देना है मेरे को और तीन हेक्टेयर में देना है साठ देना है तीन हेक्टेयर में देना है साठ किलो पोटास देना तीन हेक्टेयर में यानी कि छत्तीस अठारह एक सौ अस्सी किलो देना है उसको एक सौ अस्सी किलो मत लिखो सूत्र बनाने के लिए आप ऐसे कैसे लिखो कि मुझे ना तीन हेक्टेयर में साठ किलो देना है तो एक सौ अस्सी अपने आप ही हो गए इसको ऐसे कैसे लिख दो अब ये यहां वाली संख्या क्या होगी ऊपर आएगी हमेशा ऊपर आती है भैया यहाँ चालीस लिख दे तो इंटू चालीस ऐसे लग जाता है दस लिख देस लग जाता है वो ऊपर ही होती है चाहे आप आगे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ एक ही बात होती है तो ये क्या बनेगा बताओ देखिए ये इसको पहले है जिसको ऐसे कैसे लिख दो पहले तो ये लिख दिया मैंने सो so, बटा साठ ये भी सो बटा साठ है ये भी सो बटा साठ है, है कि नहीं अब ये भी ऊपर लगता है तो ऐसे कैसे ऊपर लिख दो साठ इंटू तीन इंटू ये लो अब इसको ये जो ओह ये फोर मुलाई बढ़ गया ऊपर क्या क्या है देखो देखिए साठ आया ना तो साठ क्या है पोटास की दी जाने वाली मात्रा यानी किसी भी तत्व की दी जाने वाली मात्रा इसके बाद तीन आया ना तीन वो हो गया एरिया हेक्टेयर में आएगा उसके बाद सो आया ना वो परसेंटेज होगी वो परसेंटेज होगी नीचे साठ किसका है नीचे वाला साठ वो एमओपी में पोटास था तो उर्वरक में तत्व की मात्रा होगी नीचे बिना रट्टे ही फॉर्मूला याद हो गया मैनु तो याद हो गया मैनु तो याद हो गया हो गया भाई ऐसे निकालते बेटा तो ये हो गया इसके बाद में लेते हैं कैसे कैसे डालते हैं तेरा फर्टिलाइजर हमारा तो बीच वाला वापस लगे भाई <coughs> अब जब भी हम लोग ना पडलिंग करते हैं देखो फर्टिलाइजर कहां डालते हैं कैसे डालते हैं धान है ये कोई छोटी मोटी फसल नहीं है तो यहां पर तो पूरा फोकस करना पड़ेगा बेटा तो जैसे आपने वाटर लॉगिंग मतलब पानी में पडलिंग की तो धान में दो एरिया बन जाते हैं जैसे आप किचड़ में पडलर चलाएंगे तो धान के पानी वाला जो पानी भरा है ना उसमें दो एरिया बन जाते हैं एक एरिया का नाम होता है क्या नाम होता है ऊपर वाला क्षेत्र जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज जोन अरे बेटा पानी के अंदर दो एरिया बनेंगे एक तो ऊपर वाला जो पानी होगा ना दस मिलीमीटर का दस, का, एक से लेके दस का। उसमें तो पानी के साथ भी लेकिन दस मिलीमीटर के नीचे पानी रहेगा ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसको बोलते या, जोन। तो जैसे आपने कीचड़ तैयार किया तो दो एरिया स्पष्ट बन गए दो जोन बन गए ऊपर वाला जोन जो एक से दस मिलीमीटर यानी कि दस एम तक दस एमएम को बेटा एक सेंटीमीटर भी बोलते दस एम एम को एक सेंटीमीटर बोलते हैं तो सिर्फ ऊपर की एक सेंटीमीटर जो लेयर बनेगी पानी के ऊपर एक सेंटीमीटर का ऊपर ऊपर का पानी होगा उसको तो कहा जाता है ऑक्सीडाइज्ड जोन ऑक्सीकरण क्षेत्र ऑक्सीडाइज्ड जोन ऑक्सीकरण क्षेत्र एक सेंटीमीटर केवल और नीचे उसके नीचे दस mm के, के जो रिड्यूस्ड जोन क्योंकि एक सेंटीमीटर में समझ में आ गया होगा तो दो स्पष्ट एरिया बन गए एक तो O2 वाला जिसको ऑक्सीडाइज्ड जोन कह रहे एक बिना O2 वाला उसको रिड्यूस्ड जोन कह रहे अब धान में जो उर्वर कह रहे बेटा दान में वो हमेशा इस वाले जोन में देते हैं इस वाले जोन में दान में उर्वरक हमेशा ना इस जोन में देते हैं रिड्यूस्ड जोन में ये क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इज डन इन द पेडिक इन द रिड्यूस्ड जोन इन द रिड्यूस्ड जोन आ रहा है अगर आपने नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग किया धान में पानी में गलती से भी नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर मत डाल देना क्योंकि नाइट्रेट वालों की होती है लीचिंग ज्यादा अब कोई यह कहे कि नाइट्रेट वालों की लीचिंग ज्यादा क्यों होती है और अमोनियम वालों की कम क्यों होती है तो कोई कहे नहीं मैं कह रहा हूं आपसे आप, आप मुझे बताए कि नाइट्रेट की लीचिंग पहले तो यह बताए ज्यादा होती है कि नहीं होती फिर आप कहोगे कि हाँ होती है तो फिर साथ साथ में ये बताओ कि उसकी लीचिंग ज्यादा क्यों होती है बोलो भाई राइट right है बताओ देखो तब तक मैं आपको बताता हूं नाइट्रेट वाले उर्वरकों को प्रयोग करने पे कैसे कैसे ज्यादा हानि होती है तो सबसे ज्यादा नाइट्रेट वाले जो उर्वरकों की हानि होती है ना बेटा वो विनाइट्रीकरण से होती है साठ परसेंट नाइट्रोजन नाइट्रेट वाले उर्वरक है नाइट्रेट वाले फर्टिलाइजर है वो विनाइट्रीकरण से उड़ जाते हैं जाते आठ से चौदह परसेंट लीचिंग से आने जाती है। एक तो एकदम क्लियर होनी आप ना के कि आप सिनेमा देखने आदमी आएगा वो कुछ बोलेगा उसे हमें बड़ा मजा आएगा सिनेमा नहीं देख रहे आप अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जी रहे इस समय इस समय आपकी जिंदगी दाव पे लगी हुई बेटा आपका फ्यूचर कैसा होगा वो आप दाव पे लगा हुआ सारा खेल आपकी लाइफ दाव पे लगी हुई है इसलिए कमजोर नहीं पड़ना इस समय एक एक चीज को एक एक शब्द को सीखना है फ्यूचर है बेटा वो कैसी मतलब कैसा रहेगा वो इसी पे डिपेंड है इस खेल पर इसलिए इसको हल्का नहीं लेना कि हाँ ये लाइन छोड़ो ना यार अरे नहीं छोड़ना वो लाइन ही आ सकती एग्जाम में वो वही लाइन आ सकती है तो मेरा क्वेश्चन है कि नाइट्रेट वालों की हानि लीचिंग से ज्यादा क्यों हो रही है अभी मैं आपको देखता हूं कौन कौन जवाब देता है पहले तो नाइट्रेट की ज्यादा हानि किससे होती है कितने बच्चे विनाइट्रीकरण जानते हैं देखो मैं बताता हूं विनाइट्रीकरण क्या होता है पौधे ज्यादातर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं अगर आप नाइट्रेट नहीं जानते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आता है पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं एक बात यह नाइट्रेट अगर वापस वायुमंडल में चली जाए या तो इसकी बन जाए गैस नाइट्रोजन गैस N2, या इससे बन जाए N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब बनी बनाई नाइट्रेट जो है ना जो हमारे काम की है काजू कतली बनी बनाई वो बेकार हो रही है देखो आप नाइट्रेट और नाइट्रीकरण का उल्टा होता है बेटा नाइट्रीकरण में तो क्या होता है नाइट्रेट का निर्माण नाइट्रीफिकेशन में क्या हो रहा है नाइट्रेट का निर्माण और उसके आगे लग गया डी डी मींस उडना तो विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रीफिकेशन में क्या होता है बनी बनाई नाइट्रोजन ना आंखों के आ, सामने से बेकार हो जाती है उसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण या एक तो दो तो दो वर्ड हो गए सबसे ज्यादा नाइट्रेट का नुकसान ऐसे होता है कि वो वापस वायुमंडल में चली जाती है कितने परसेंट चली जाती है साठ परसेंट देखो एक बात फिर उसके, उसके बाद आठ से चौदह परसेंट मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया अभी आठ से चौदह परसेंट लीचिंग से चली जाती है लीचिंग पानी के साथ गुड़ के नीचे की ओर चल लीचिंग कहलाता है और एक से चार परसेंट ना बेटा वो वाष्पीकरण चली जाती है वो वाष्पीकरण से चली जाती है मतलब अमोनिया गैस बढ़ के उड़ जाती है ये सारे के सारे क्वेश्चन है कि नाइट्रेट की सर्वाधिक हानि होती है विनाइट्रीकरण से कितनी परसेंट होती है साठ परसेंट लीचिंग से कितनी होती है पानी के साथ गुड़के जो नीचे जा रहे हैं उससे कितनी हो रही है आठ से चौदह परसेंट और उड्रा कितना गे, अमोनिया गैस बनकर कितनी उड़ रही है तो वो उड़ रही है एक से चार परसेंट नहीं बेटा भाई कौन सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो बेटा विनाइट्रिकल और नहीं हुआ चलो भाई लो विनाइट्रिकल में क्या है ये लो वापस ले लो मैं कुछ चलो कंसेप्ट बातें बताता हूं इधर देखना बेटा यह आपका अमोनियम है अमोनियम बोल रहा हूं मैं इसको अमोनिया नहीं वो करता रहेगा उसको पता नहीं लगेगा उसको पता नहीं लगेगा क्या हो गया मेरे साथ है ना यह अमोनियम इसको क्या करते हैं इसका होता आक्सीकरण एक बैक्टीरिया आता है पहले दो आते हैं पहला बैक्टीरिया आता है उसका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोमोनास ठीक है बेटा इससे पहले पहले बनेगा नाइट्राइट इससे बनेगा क्या NO2- टू यहां पर नाइट्राइट बन जाएगा NO2- को कहते हैं नाइट्राइट अब ये नाइट्राइट का क्या होगा इसका फिर ऑक्सीकरण होता है NO2- टू माइनस इस बार जो बैक्टीरिया आएगा उसका नाम होता है नाइट्रोबैक्टर बाद वाला वे एक्टर, रहा रहा वे एक्टर और इससे बन जाएगा नाइट्रेट NO3- थ्री माइनस थ्री माइनस यहां पर नाइट्रो अब ये नाइट्रेट बन गई इस नाइट्रेट का बनना ये पूरी जो प्रक्रिया है ना बेटा इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण या नाइट्रीफिकेशन नाइट्रीकरण या नाइट्रीफिकेशन नाइट्रेट का बनना कहलाता है नाइट्रीफिकेशन अमोनियम से पहले बनती है नाइट्राइट नाइट्राइट और नाइट्राइट से फिर ये नाइट्राइट से वापस बन गई नाइट्रेट तो नाइट्रेट का बनना कहलाता है नाइट्रीकरण दो बैक्टीरिया आ चुके हैं इसमें तो मुझे लगा नहीं समझ में आने वाली कोई बात है कि एक पौधे को आपने अमोनियम डाला जैसे आपने अमोनियम सल्फेट दिया तो उस अमोनियम का क्या होगा पहले बेटा नाइट्राइट बनेगा उसका ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोसोमोनाज जीवाणु रहेगा उस नाइट्राइट का फिर ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन से क्रिया होगी और नाइट्रेट बन जाएगा और ये पौधों को यही मिलता है नाइट्रेट सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है नाइट्रेट नाइट्रेट मुझे पता है सबको आ गया कुछ है ही नहीं, नहीं आने वाला कुछ है ही नहीं इसमें कि अमोनियम से बन रही है नाइट्रेट ये नाइट्राइट ये नाइट्रेट बन गई लास्ट के अंदर लेकिन बनी कैसे पहले अमोनियम से नाइट्राइट बना फिर ये नाइट्राइट से बन गया नाइट्रेट देखो आ गया अब दुखी ये तो है नाइट्रेट अगर अगर यही बना बनाया नाइट्रेट जिसको पौधे ले रहे अगर यही बना बनाया नाइट्रेट जिसको पौधे ले रहे अगर ये वापस बेचारा ना वापस टूट जाए सोचो आप कितने दुख की बात है अगर यह गैस बन जाए मतलब पौधों काम का ही नहीं रहे चाहे एन टू गैस बने चाहे एन टू ओ बन जाए तो वापस नाइट्रेट अगर बनी बनाई जा रही है पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वही लेते पौधे लेकिन वो आंखों के सामने जा रही है इस घटना को बोलते हैं डी नाइट्री या हिंदी में कहते हैं वी नाइट्रीकरण तो सबसे ज्यादा नाइट्रेट का नुकसान विनाइट्रीकरण से ही होता है सबसे ज्यादा नाइट्रेट का नुकसान विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रीफिकेशन से से होता है सबसे ज्यादा नुकसान समझ में आ गई चलिए तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी से होता है बेटा उसके बाद में लीचिंग तो जानते होंगे यही नाइट्रेट अगर पानी के साथ गुड़के नीचे जा रही है तो वो लीचिंग है वो आठ से चौदह परसेंट जाती है कुल नाइट्रोजन का नाइट्रेट का आठ से चौदह परसेंट का लीचिंग हो जाता है और वाष्पीकरण अगर यही नाइट्रेट ना वापस थोड़ा सा पानी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा और अमोनिया गैस बनकर उठ गई तो वाष्पीकरण हो गया इवापोरेशन हो गया बस भाई मुझे तो कुछ लगा ही नहीं है पहली क्लास के बच्चे को सिखवा दो कि बेटा अमोनियम से पहले नाइट्राइट बनी हाथर बाणी उसको बदलने वाला नाइट्रोसोमोनास जीवाणु या सैर समझ में आ गया बेटा उस नाइट्राइट को फिर ऑक्सीजन से क्रिया करी उसने नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में तो नाइट्रेट बन गई या सैर बस नाइट्रेट का बनना बननाइट्रीकरण कारण जिसके लगता है ना उसके पहले जो शब्द वही बनता है जैसे अमोनीकरण अमोनियम बनता है या अमोनिया बनती है है ना हुमीकरण होम बस बनता है हा आंखों के सामने से नाइट्रेट का चला जाना बहुत दुख की बात है सामने पड़ी हुई काजू कतलियां ऐसे ही जा रही है उड़ उड़ के भाई जी उसको बोला है वी काजू कतलीकरण, है ना डी डी काजूफिकेशन, डी कतलीफिकेशन। तो वैसे नाइट्रेट डी यानी हटना डी का मतलब तो बनना तो क्या कहलाएगा नाइट्रीकरण और उसका वापस हट जाना कहलाता है डी नाइट्रीफिकेशन या विनाइट्रीकरण डी कतलीफिकेशन कतली बनी पहले तो कतली बनना तो कतलीफिकेशन उसके बाद वो आंखों के सामने से वापस आ रही है डी कतलिफिकेशन जैसे सींग हॉर्न उन सींगों को हटाना डी हॉर्निंग बीक चोच उस चोच को हटाना डी बीकिंग हो गया क्लियर है चलो एक वर्ड और आता है बेटा जो शायद आपको आता है नहीं आता है एक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वो अलग होता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण अलग होता है बेटा है ना बेटा हाँ भाई काजू कतली बन रही है तो कतलीफिकेशन और वो कतली बनी बनाई अगर वापस उड़ के जा रही है सामने से तो विकलीकरण या डी कर... कतलिफिकेशन यस डी यानी अटना एक और होता है कि अगर वायुमंडल की नाइट्रोजन जमीन पे आ रही है नाइट्रेट के रूप में तो उसको कहते हैं बेटा नाइट्रोजन स्त्रीकरण ये अलग शब्द है स्त्रीकरण हिंदी में तो और इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर वायुमंडल की नाइट्रोजन से बनी है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन और अगर अमोनियम से बनी है NH4+ फोर प्लस जिसके साथ अभी ओ टू से क्रिया होके पहले नाइट्राइड बना था और नाइट्राइड इसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया था अभी बताया था मैंने आपको नाइट्रोसोमोनास और नाइट्राइड का फिर ऑक्सीजन से क्रिया होके फिर वापस O2 से क्रिया होके अगर बन गई नाइट्रेट NO3- तो ये क्रिया ये वाली जो क्रिया है ना ये वाली ये वाली इसको तो बोलते हैं नाइट्रीकरण इसका तो नाम ही क्या है नाइट्रीफिकेशन या नाइट्रीकरण और अगर वायुमंडल की नाइट्रोजन आ रही है जैसे राइजोबियम के द्वारा राइजोबियम के द्वारा किसके द्वारा राइजोबियम के द्वारा अजोटोबेक्टर के द्वारा अजो डायरेक्ट ही वायुमंडल से आ रही है वायुमंडल वाली है अगर राइटोबीएम से आ रही है ना नाइट्रेट बन रही है तो इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन स्त्रीकरण ये दोनों अलग अलग चीज है आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लेना क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं लोग इसमें ये दोनों में कंफ्यूज रहते लोग दोनों में लोग कंफ्यूज रहते बेटा कि कौन सा स्त्रीकरण है और कौन सा नाइट्रीकरण है अब आज के बाद मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूज होना पड़ेगा इज इट क्लियर बेटा मैं भटक गया हूं मैं जो पढ़ा रहा था उससे आपने मुझे भटका दिया कि ये समझाओ अब मेरे क्वेश्चन का जवाब ना एक बच्चे ने दिया है कि नाइट्रेट का ही लीचिंग ज्यादा क्यों होता है तो इसका मतलब आप बेटा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करो देखो जो काली कले होती है ना कले मिट्टी एक बच्चे ने दिया है एक बच्ची ने दिया है जो ऑफलाइन की स्टूडेंट रही है पहले ऑफलाइन में पढ़ती थी वो उस बच्ची ने जवाब दिया है एक बच्ची ने ऐसा होता है बेटा कि जो मिट्टी का कण होता है ना कले मिट्टी का जो कण होता है कले उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है माइनस 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 काली मिट्टी पे हुमस पे इन पे माइनस चार्ज होता है मिट्टी का जो कण होता है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है उस पर ऋणावेश पाया जाता है इसलिए धनायन तो इसके ऊपर चिपक सकते हैं तो जैसे आपका अमोनियम है वो तो इसके ऊपर चिपक सकता है नाइट्रोजन के दो ही तो रूप है या तो अमोनियम या फिर नाइट्रेट दो ही तो रूप है या तो अमोनियम है या नाइट्रेट है तो नाइट्रेट तो इसके ऊपर अमोनियम तो चिपक सकता है क्योंकि ये है। अमोनियम तो इसके ऊपर चिपक सकता है भाई दनायन और ऋणायन में आपस में आकर्षण होता है बेटा अट्रैक्शन होता है लेकिन दनाएन, दनाएन में या प्रतिकर्षण होता है दूर जाते हो ऋणायन ऋणायन भी दूर जाते एक दूसरे से तो ये नाइट्रेट कभी भी इस मिट्टी के कण पे नहीं चिपक सकता क्योंकि ऋणावेश है इसलिए ज्यादा लीचिंग नाइट्रेट की ही होती है अमोनियम की लीचिंग नहीं होती या न के बराबर होती है ठीक है अमोनियम की लीचिंग नैक के बराबर होती है क्योंकि है और मिट्टी के कण पे रिनाइन होता है इसलिए चिपक जाता है उसके ऊपर ही, ही नहीं सकता इसलिए उसकी बेचारी की लीचिंग हो जाती है तो सबसे ज्यादा लीचिंग नाइट्रेट की होती है नाइट्रोजन में अमोनियम की नैक के बराबर बहुत कम होती है क्योंकि वो तो चिपक जाता है मिट्टी के कणों पर चलिए वापस अपने पॉइंट पे चलते बेटा हो गया ये यहां तक मैं समझा चुका हूं ऊपर वाला जोन ये कहलाता है ऑक्सीडाइज जोन उसके नीचे वाला रिड्यूस जोन नाइट्रेट की हानि कैसे कैसे होती है मैं सारा समझा चुका हूं राइट समझ में आ गया भाई अब धान में क्या है कि धान में नाइट्रेट वाले उर्वरकों को ज्यादा नहीं डालते क्योंकि नाइट्रेट डालोगे तो पानी के अंदर तो बहुत ज्यादा लीचिंग हो जाएगी इसलिए नाइट्रेट वाले उर्वरक नहीं डालते ज्यादा कौन से वाले डालते हैं फिर कौन सी वाले डालते हैं हाँ डीनाइट्रीफिकेशन नाइट्रीफिकेशन क्रिया है सही बात है तो कौन सा डालेंगे फिर अमोनियम वाले तो अमोनियम धारी जो नाइट्रेट वाले उर्वरक है नाइट्रोजन उर्वरक है उनको देते कहां पर है रिड्यूस्ड जोन में वो तो रिड्यूस जोन में ही जाएंगे वैसे ही आप फर्टिलाइजर फर्टिला कैसे रोकोगे ऊपर एक सेंटीमीटर में वो तो नीचे जाके पेंदे में बैठेगा और पेंदे में तो वैसे ही रिड्यूस जोन आ गया एक सेंटीमीटर के नीचे तो रिड्यूस जोन ही है वो तो नीचे अपने आप ही नीचे जाएंगे ठीक है बेटा तो अमोनियम धारी देते इसमें अमोनियम वाले ही देते हैं और वो देते का रिड्यूस्ड जोन में देते हैं इसके लिए सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर भी अमोनियम वाला होता है अमोनियम सल्फेट यह दुनिया के बेस्ट क्वेश्चंस में से आता है कि दान के लिए सबसे बढ़िया उर्वरक कौन सा होता है अमोनियम सल्फेट दान के लिए बेस्ट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट नंबर वन अमोनियम सल्फेट हो गया बधाई भाई सारा कंसेप्ट क्लियर अब धान में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता कितनी है कितनी दी हुई नाइट्रोजन को ये अपने जो है ना बॉडी में कन्वर्ट करके प्रोडक्शन दे पाते हैं दैट इज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी तो ये जितनी नाइट्रोजन डाली जाती है ना बेटा उसका तीस से चालीस परसेंट यूज कर जाते हैं या उसको जो है ना अपने आ, हा वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको अपने शरीर के लिए काम में ले लेते ले उसको तीस से चालीस परसेंट ठीक है बेटा अब देते कब कब है ये नाइट्रोजन जो आप दे रहे हो ना ये आप दे रहे हो ना ये, ये कब कब देंगे आप इसको तो नाइट्रोजन कब कब देते हैं देखना भाई आधी नाइट्रोजन तो रोपाई के टाइम ही टिका देते हैं जितनी नाइट्रोजन देनी उसका 50 परसेंट दो रोपाई के टाइम ही। जब आप दान की रोपाई कर रहे हैं तो आधी तो उसी टाइम दे दुआ के फ्री करते हैं पच्चीस परसेंट देते हैं जब उसके टीलर्स निकल रहे होते हैं कल्ले फूट रहे होते हैं उस समय देते पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट देते हैं जब उसके बाली आ रही है पुष्पक्रम आ रहा है पेनिकल आ रहा है पुष्पक्रम आ रहा है पेनिकल आ, पे आ रहा है उस समय पच्चीस देते हैं तो यहां पर भी तीन क्वेश्चन हो गए कि आधा तो दे दो बेसल ड्रेसिंग मतलब रोपाई के टाइम ही उसका बच गया उसका हाथ दे के दो बाहर कर दो 25% परसेंट टिलरिंग पे दे दो 25% परसेंट पेनिकल इनिशिएशन पढ़ दे दो क्लियर है भाई चलिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद हो गया बस पूरा हो गया फर्टिलाइजर उर्वरक खाद पूरे अब एक इसमें ना टर्म आता है लीप कलर चार्ट अलग हेडिंग है ये हेडिंग होगी अलग लीफ है कलर है चार्ट एल सी सी लीफ कलर चार्ट लीफ कलर चार्ट ना बेटा ये एक चार्ट होता है कलर का जिसकी वजह जिसके द्वारा कि पौधे में कब देना है मुझे नाइट्रोजन का उर्वरक उसको डिसाइड किया जाता है जैसे मान लो एक चार्ट आपके पास अलग अलग रंग का और उससे पत्ती के कलर को चार्ट से मिलाओगे कि भैया ये इतनी पीली हो चुकी इतनी हरी है उसके हिसाब से भाई अब नाइट्रोजन देनी पड़ेगी आपको तो लीप कलर चार्ट इसके वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि ये तो निकाली किसने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉस बेनोस मनीला फिलीपींस ने एक बात दूसरी बात ये काम में क्या आती है लीप कलर चार्ट तो धान में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी देनी है प्रयोग करने का समय क्या रहेगा इसको डिसाइड करते हैं लीप कलर चार्ट से इसको हड़का मत ले लेना वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है कि लीप कलर चार्ट यूज किया जाता है धान में और इसमें ना अलग अलग कलर आते हैं ऐसे जैसे एक चार्ट आ गया उसमें अलग अलग कलर होंगे आई थिंक ऐसे होता होगा कि उसमें ना उस पत्ती को लेके उसके कलर से मैचिंग किया जाता है कि हाँ इस पत्ती का रंग बदल गया ज्यादा ही तो इसका मतलब इस कलर के हिसाब से आपको उसके अंदर कितना नाइट्रोजन डालना है कब डालना हल्का क्वेश्चन नहीं है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आई आर मनीला फिलीपींस ने दिया था और इसे करते क्या है करते क्या भाई धान में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी देनी है ये डिसाइड करते हैं तो एक टॉपिक फिर से पूरा हो गया लीप कलर चार्ट लीप कलर चार्ट के क्वेश्चन बनते हैं दो दो एक तो किसने डेवलप किया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और दूसरा बनता है इससे करते क्या लीप कलर चार्ट से तो इससे दान में कितना नाइट्रोजन वाला उर्वरक कितना देना है कब देना है ये दोनों डिसाइड करते हैं एलसीसी से या लीप कलर चार्ट से इज इट क्लियर अब लेते हैं ब्राउन मेन्यूरिंग एक एक टॉपिक पूरे हो रहे जा रहे बेटा अगला आ गया है ब्राउन मेन्यूरिंग जरूर आप लोगों ने ब्राउन मेन्यूरिंग सुना होगा बेटा ब्राउन मेन्यूरिंग ब्राउन बोले तो बुरा मेन्यूरिंग बोले तो खाद बुरा खाद ब्राउन मेन्यूरिंग क्या हो जाएगा बुरा खाद बुरा खाद बुरा खाद ब्राउन मेन्यूरिंग बुरा खाद बुरा खाद बुरा खाद ब्राउन मेन्यूरिंग यस जैसी पीली होगी या जितनी पीली हरी जैसी कलर आएगी ना उसके हिसाब से पता चल जाता है कि इसमें अब ये वाला नाइट्रोजन इतना देना है एक कलर चार्ट आता है आई आर आर आई का बनाया हुआ है अगर आपने धान के फसल में ना हरी खाद के रूप में ठीक है हरी खाद के रूप में ना हरी खाद मान लो हरी खाद तो वैसे देखो मैं आपको बताऊं हरी खाद तो क्या होती है फसल की बुआई से पहले हरी खाद फसल उगाते हैं फिर उसको मिट्टी में पलटते हैं वो तो हरी खाद है लेकिन ये ब्राउन मेन्यूरिंग जो करते हैं ना बेटा ब्राउन मेन्यूरिंग ये धान के साथ ही करते हैं कि आप दान भी बो रहे ब्राउन मेन्यूरिंग सुनना भाई मोस्ट कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है कि आपने पेडी आपने पेडी या धान लगाया और उसके साथ साथ ही बीच में डेचा भी लगा दिया डेचा ससबेनिया एकुलाटा ठीक है अब धान तो आपका खड़ा है चावल तो खड़ा है बेटा आपका लेकिन डेचे को महीने भर बाद में आपने हल चला के धान के बीच में आपने चला के उसको मिट्टी में मिला दिया तो वो हरी खाद की तरह काम करेगा सड़ जाएगा उसके अंदर और वो सड़ा हुआ जो ढेचा है एकुलाटा भाई सनई डेचा नाम सुना है हरी खाद सबसे बढ़िया किसकी बनती है सनई की दूसरे नंबर पे क्या आता है तो धान के साथ डेचा उगाकर अगर 25 से 30 दिन बाद में आपने हल चला के डेचे को मिट्टी में मिला दिया डेचे को मिट्टी में मिला दिया तो वो डेचा बुरा बुरा हो जाएगा देखो ये डेचा उगा हुआ है तो धान भी उगाया बीच बीच में डेचा भी उगा दिया और डेचे को बाद में मिट्टी में मिक्स कर दिया तो गल जाएगा और उसकी बन जाएगी खाद उसको बोलते हैं ब्राउन मेन्यूरिंग किस किस को लगता है कि ब्राउन मेन्यूरिंग उसको समझ में आ गया कि धान के साथ ही डेचा भी उगा लिया फिर डेचे को पंद्रह पच्चीस तीस दिन बाद एक महीने बाद मिट्टी में मिला दिया बस बस तो खाद बन गया उसकी बुरी बुरी खाद बन गई उसी को बोलते हैं ब्राउन मेन्यूरिंग अब करते कैसे देखो धान को बोना पड़ता है कतारों में है ना बेटा धान को पहले कतारों में बो दिया उसके दो तीन दिन बाद लगभग सात से हो गया बीस किलोग्राम प्रति एकटेर को डेरचे से डेरचा भी ऐसे छिटक दिया बी छिटक दिया डेचे का राइट है छिटक दिया उसके बाद लगभग पच्चीस तीस दिन बाद यानी कि एक महीने बाद करीब एक महीने बाद में डेचे क्या करते हैं दोस्त टू फोर डी से टू फोर डी से डेचे को कर देते हैं नेस्ट वो जल जाएगा नेस्ट हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा और उससे बन जाएगी खाद ठीक है फायदा क्या है इसका ब्राउन मेन्यूरिंग से इस एक मिनट इससे फायदा क्या है पैंतीस किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत हो जाएगी या नाइट्रोजन मिल जाएगी भैया मस्त समझ में आ गया मेरे को तो कि भैया धान भी बोल ले ढेचा भी बोल ले सारे बोल ले जय बाबा की सब मिल बोले जय बाबा की फसल पर साइड इफेक्ट पड़ेगा बा बेटा कभी नहीं पड़ेगा कभी धान पर टू फोर डी का क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो तो वैसे ही ढेचा तो हरी खाद में वैसे ही आपको पता है टॉप पे आता है सबसे टॉप पे आता, वो तो, वो आता है तो वो तो भाई समय के बाद वही तो आता है तो फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा एक परसेंट नहीं पड़ेगा ये तो मजे हो गए उल्टे फोकट में खाद आ गई यार डेचे का बीज महंगा थोड़ी आता है सस्ता आता है बस वो फेंकना ही तो है उसके बाद टू फोर्टी छिड़कनी खत्म काम बढ़ गया भैया एक बच्चे को ना नंबर डाल दियो ये व्हाट्सएप जुड़ना चाहते हैं इनको बता देना बड़ा नंबर तो ब्राउन मेन्यूरिंग समझ में आया क्या दान के साथ डेचा उगाया तीस दिन बाद में उसको टू फोर्टी से नष्ट करके मिट्टी में मिला दिया बस हो गया काम तो ब्राउन मेन्यूरिंग तो पूरी हो गिरा बापो अब आ गया जेव उर्वरक जेव उर्वरक कौन सा उर्वरक है जेव उर्वरक जैव जे उर्वरक।, जे उर्वरक बोले तो बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन तो इसमें ना एक तो नील हरी सेवाल डालते बेटा बीजी है नीलरी सेवा हरी खाद के रूप में काम में लेते हैं या फिर है ना साथ ही डाल देते मतलब बायो फर्टिलाइजर के रूप में लेते हैं तो जेव उर्वरक के रूप में वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जेव उर्वरक के रूप में ज्यादा लेते हैं बीजीए है। एक लेते हैं एजोला एजोला नाम सुना एजोला एक तो पहले इनको याद करो कैसे याद करोगे नील सेवाल धान में एजोला बी धान में नील हरित सेवाल धान में एजोला बी धान में ऐसे बच्चे याद करते एजोला नील सेवाल सेवा सेवाल को इंग्लिश में कहते हैं ब्लू ग्रीन एलगी ब्लू ग्रीन एलगी मतलब नील हरित सेवा ठीक है बेटा बीजीए या इसको एक नाम और बोलते हैं नीलरी सेवाल बीजिए तो होएगा इंग्लिश हिंदी में इसको साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं नहीं जलीय फर्न नहीं है जलीय फर्न तो एजोला होता है बेटा ये तो तो है 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 सेवाल एजोला होता जलीय फर्न तो। राइट भाई हा देखो ये कह रहे हैं ना हमारे यूपी में पहले डेत्सा बोते हैं उसके बाद उसको ना पडलिंग कर देते हैं उसके बाद धान बो देते हैं कर रहे हैं ब्राउन मेन्यूरिंग कर रहे हैं तो एक तो देखो मैं आपको पहले एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलता हूं जेव उर्वरक डालने से धान के अंदर नाइट्रोजन की बचत हो जाती है बीस से पच्चीस किलोग्राम तो परसेंट परसेंट सॉरी ये तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि हमने फर्टिलाइजर डाला तो कितनी नाइट्रोजन बच गई चौथाई जितनी डलोगे ना उसकी 20 परसेंट बच गई अगर आप 100 किलो देने वाले थे तो आप पिछहत्तर किलो ही देनी है आपको एक दूसरा साइड में दौड़ा हो गया एक बात दूसरा देते क्या क्या है तो एक तो देते हैं बीजीए मतलब नील हरी सेवाल ये एक ही बात है यहां से लेके यहां तक आप कुछ भी बोल दो इसको एक ही बात बेटा नील हरी सेवाल कह दो या ब्लू ग्रीन एलगी तो ब्लू ग्रीन एलगी का ही छोटा नाम क्या हो गया बीजीए हो गया या इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया नील हरित सेवाल को ही कहते हैं साइनोबैक्टीरिया इसी का नाम होता है साइनोबैक्टीरिया ये हरी हरी देखो ये रही ये हरी हरी काई आती है बेटा हरे 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 ये है बीजीए ये हरी हरी सी देखो काई सी दिख रही है आपको काई काई सी सेवाल सी से दिख रही है यही बीजीए है एजोला अलग होता है भाई एजोला में बता रहा हूं पहले बीजीए तो सीख लो नील सेवाल या उसको कह दो बीजिए या साइनो एक तो ये काम में लेते हैं एक लेते एजोला एजोला क्या होता है एक वाटर फर्न होता है बेटा एजोला क्या होता है एक वाटर फर्न होता है वाटर फर्न या जलीय फर्न पादप फर्न पादप इसको बोलते हैं वाटर फर्न ये अकेला नहीं रहता ये अकेला नहीं रहता बेटा इसके साथ एक सेवाल भी रहती है ये अकेला नहीं रहता एजोला एजोला और एक सेवाल दोनों साथ रहती है बेटा उस सेवाल का नाम होता है एनाबीना एजोली एजोला के साथ जो सेवाल रहती है उसका नाम होता है एनाबीना एजोले एजोला के साथ एक सेवाल रहती है नीलरी सेवाली हो भी उसका नाम होता है एनाबीना एजोली तो एना बेना एजोली एक बार मैं इसको आपको ब्लैंक पे समझाता हूं एक बार ब्लैंक पे समझाता हूं बेटा को देखो एक तो हो गई बीजीए जिसको आप कह रहे हैं नील दरी सेवाल या साइनो एक तो ये डालते हैं एक डालते एजोला 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 अकेला नहीं रहता बेटा इसके साथ एक नील दरी सेवाल भी रहती है एक बीजिए रहती है नील सेवाल उस नील सेवाल का नाम ही क्या है एनाबीना एजोली एनाबीना एजोली समझ में रही बात ये दोनों साथ रहते हैं इन दोनों का संबंध कहलाता सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस यानी सहजीविता सिम्बायोसिस या सहजीविता दोनों का संबंध कहलाता है यानी कि दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है और दोनों किसको कहते हैं सहजीविता? दो जीवों का ऐसा संबंध दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है और दोनों एक दूसरे के बिना जिंदगी में मतलब जी नहीं सकते उस संबंध को बोलते हैं सिंबायोसिस इन दोनों का जो संबंध है वो वाला संबंध होता है इसके एजोला के बिना ये सेवाल नहीं रह सकती नीलरी सेवाल और नीलरी सेवाल के बिना एजोला नहीं रह सकता दोनों साथ ही रहते तो ये दो जैव उर्वरक काम में लेते हैं एक तो एजोला एक बीजीए ये दो धान में बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं ये दो बायो फर्टिलाइजर धान में डालते हैं हो गया हो गया भाई बस हां बेक्टर भी यूज करते हैं भी यूज करते हैं बेक्टर नाम सुना कभी जो किसी के साथ नहीं रहता अकेला रहता है ऐसे जीवी जीवाणु है तीन हो गई तो तीन क्या क्या ली एक तो बीजीए ले लिया एक दूसरा ले लिया एजोला भी लेते हैं इसके अंदर जो एजोला और दोनों साथ रहने वाले दोनों आगे इसके अंदर और तीसरा लोग ना एजोटोबेक्टर भी लेते हैं

एक नहीं एक दो और तीन देखो भाई हां फ्री लिविंग का तो एक ही बात एक दूसरा ले लिया दो एजोला और तीसरा लोग एजोटोबेक्टर भी काम में लेते हैं अजोटोबेक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है मिट्टी में रहता है किसी के साथ ही नहीं रहता ही ये तीनों वेरी मोस्ट है और तीनों में से ये पहला है ना बीजी और एजोला ये तो ज्यादा ही मोस्ट है इसलिए बच्चे याद ही कैसे करते हैं नील सेवाल धान में एजोला भी धान में ये एजोला आपको दिख रहा है नीलरी सेवाल भी आपको दिख रही है क्लियर हो गया ठीक है बेटा खेत में अगर पानी ज्यादा है तो नीलरी सेवाल और एजोला दोनों ही वरदान है खेत में अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो एजोला और नील सेवाल दोनों ही वरदान है हाँ एजोला को पशु आहार के रूप में भी उपयोग करते हैं एजोला का उपयोग ना बेटा एनिमल फीड के रूप में भी करते हैं पशु आहार लिख लेना ये भी पशु आहार खेत में रोपाई के कितने सप्ताह बाद एजोला डालते हैं तो ये डालते हैं दो से तीन हेक्टेयर बाद एजोला एजोला दो से ओ सॉरी कितने टन डालते सॉरी दो से तीन टन प्रति हेक्टेयर खेत में कितना डालोगे एजोला दो से तीन टन प्रति दान में कितना नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दिए है एजोला सहजीवी तो बताया ना मैंने अभी उसके साथ सेवाल भाई एना एन बिना एजोली और एजोला साथ रह रहे तो अपने आप ही सहजीव हो गया हो ठीक है भाई तो सात दिन बाद में दो से तीन टन डालते हैं जैसे दान की रोपाई की उसके बाद दो तीन टन प्रति हेक्टेयर डाल दिया एजोला नील द्वारा प्रति हेक्टेयर कितना फिक्सेशन होता है तो वो होता है बीस से तीस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भैया ये मोस्ट क्वेश्चन है एजोला कि दान में एजोला कितनी मात्रा में काम में लेते हैं उत्तर आएगा दो से तीन टन प्रति हेक्टेयर दो से तीन टन प्रति हेक्टेयर बोलो भाई क्लियर चलिए बेटा अब लेते अंतराक्रसी इंटरकल्चर बोले तो खरपतवार नियंत्रण खरपतवार नियंत्रण दान के मुख्य खरपतवार कौन कौन से एक तो जंगली दान खूब लगता है इकाइनोक्लोवा कोलोना एक लगता है सावा या उसको कहते हैं बर्न यार्ड घास बार्ड कह दो बर्न बार्न कह दो बार यार्ड घास जिसको कहते हैं इकाइनोक्लोवा क्रुस गेली ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आ चुका है कि दान का मुख्य खरपतवार है उत्तर आएगा इकाइनोक्लोवा इकाइनो अब इकाइनोक्लोवा भी दो गए अगर इकाइनोक्लोवा की जाति कोलोना है कोलोना तब तो उसको कहते हैं वाइल्ड पेडी जंगली धान या वाइल्ड राइस जंगली धान अगर उसकी जाति क्रूस गेली है तो उसको बोलते हैं सावा या बार्न यार्ड घास दोनों की दोनों फैमिली है इनकी ग्रेमिनी यानी कि चावल के परिवार के ही है इंटरकल्चर का मतलब जो भी खड़ी फसल में आप निराई गुड़ाई वगैरह कर रहे हैं उसको इंटरकल्चर या खरपतवार नियंत्रण कहते हैं इसका मुख्य उद्देश्य खरपतवार नियंत्रण ही होता है मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन याद हो गया कि इकाइनोक्लोवार जंगली धान या इकाइनोक्लोवार सावा ये दोनों ही इसके मुख्य खरपतवार है राइट निम्न भूमि चावल निम्न भूमि चावल कौन सा था जिसमें हम ना पडलिंग कर रहे थे पानी भर के बरसात पे डिपेंड नहीं था वो उसके अंदर खरपतवार लगते हैं कम लो लैंड राइस में खरपतवार लगते हैं कम हो गया अरे भाई जिसमें अपना किचड़ तैयार करते हैं पडलर चलाते हैं नीचे हार्ड लेयर बनती है उससे पानी नीचे जाना बंद हो जाता है ठीक है उस वो ना बेटा वो हां उनमें खरपतवार कम होते हैं एक क्रिया और करते इसमें इंटरकल्चर ही चल रहा है अभी चेंज नहीं हुआ इंटरकल्चर में एक क्रिया और करते बुसनिंग 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 स्पेलिंग ये रही बी ई यू एस एच ई एन आई एन जी बुशनिंग बुआई के चार से छह सप्ताह बाद ध्यान देना शब्दों पे बुआई से चार से छह सप्ताह बाद पांच से दस सेंटीमीटर तो पानी होता है उसमें देसी हल चला देते हैं पानी भरे हुए पानी में ना हाँ हल्का देसी हल चला के और खरपतवारों को नष्ट करते हैं कब लेकिन बुआई के एक डेढ़ महीने बाद सुनना दोबारा बुशनिंग क्या होती है बुआई के एक डेढ़ महीने बाद यानी कि चार से छह सप्ताह बाद पांच दस सेंटीमीटर पानी भरा होता है उसके अंदर खड़ी फसल में ही हल्का देसी हल चला के खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं इस क्रिया को कहते हैं बुशनिंग देखो देखे ये पीडीएफ वाले इनको नंबर डाल देना बेटा मेरे को बुसनिंग मस्त याद होगी बुआई के डेढ़ दो एक डेढ़ महीने बाद भरे पानी में पांच दस सेंटीमीटर पानी भरा होता है उस भरे पानी में अगर आपने देसी हल चला दिया हां क्रॉस यस यस क्रॉस जुताई करेंगे क्रॉस कैसे ऐसे चलाएंगे फिर हल को ऐसे और चला देंगे ऐसे चलाएंगे ऐसे और चला देंगे भाई साहब उनतीस तारीख को पेमेंट किया था। अरे यार थोड़ा बहुत तो भगवान को ऊपर सिर पे रखे यार पाप लगेगा तेरे को उनतीस तो परसों ही थी अभी आपने कमेंट करके बच्चों का टाइम खराब किया बेटा भगवान ना आपको माफ नहीं करेगा उनतीस को पेमेंट किया उनकी किताब आज पूछ रहे हो ये भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे यहां पे खुद के नंबर भूल के ही नहीं डालने गलत जगह आ गए आप गए आप उठ गए गैले चाल देखो देख दशा खराब आएगी दशा खराब आई है देखो पढ़ रहा था आराम से पागल आदमी थोड़ा देख ही लेता भाई क्या चल रहा है यहां अच्छा चलिए बुशनिंग क्यों कर रहे हैं भाई बुसनिंग क्यों कर रहे हैं रहा बुसनिंग क्यों कर रहे क्योंकि सीधी बुआई वाला जो दान है ना भाई सीधी बुआई वाला जो दान है है ना उसमें खरपतवार नियंत्रण करना पड़ता है है ना करना पड़ता है ना सीधी बुआई वाला राइस पानी भर के आप सीधी बुआई का तो करना पड़ेगा अधिक पौधे निकल जाएंगे किसके चल रहे हैं उद्देश्य बुसनिंग बुसनिंग ना हा भाई हो गया अधिक पौधे भी निकल जाएंगे हल चलाने से क्या होगा हल चलाने से क्या होगा भाई हल चलाने से खरपतवार नष्ट हो जाएंगे बुसनिंग से ज्यादा पौधे तो वो भी निकल जाएंगे इसको समझा इसको हो गया और वायु संचार भी बढ़ जाएगा बुसनिंग तो पूरे हो गिरा बापू क्यों करते हैं बुस्निंग खरपतवार नष्ट करने के लिए करते हैं बुसनिंग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए या ज्यादा पौधे तो निकालने के लिए वायु संचार में वृद्धि करने के लिए में वृद्धि करने के लिए एक तर्म और यूज़ करते हैं खेलुआ। खेलुआ भी दान में एक शब्द काम आता है खेलुआ 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 क्या होता है अगर पादप संख्या को आपको बना के रखना पौधे कम नहीं पड़ने आपने हल चलाया बुसनिंग की भाई बुआई के चार से छह सप्ताह बाद पांच दस सेंटीमीटर खड़े पानी में भरे पानी में आपने हल चलाया तो कुछ तो पौधे भी उखड़ेंगे ना कुछ तो पौधे भी उखड़ेंगे अगर उखड़े हुए पौधों को आपने वापस लगा दिया खेलो वाह खेलो वाह बुसनिंग से उखड़े पौधे लगा दो खेलो वाह खेलो वाह बुसनिंग में उखड़े हुए पौधे लगा दो अरे बुसनिंग कर रहे हो आप बुसनिंग समझ में आ गया कर दिया आपने हड़ चला दिया खड़ी फसल में लेकिन उसके बाद जो पौधे उखड़ गए उनको वापस लगाना पड़ेगा नहीं तो फिर पौधे कम हो जाएंगे आपके तो उखड़े हुए पौधों को वापस लगाना कहलाता उखड़े पौधे वापस लगा दे खेलो वेलो उखड़े पौधे वापस लगा दे खेलो वेलो उखड़े पौधे वापस लगा दे खेलो वेलो उखड़े पौधे वापस लगा दे मैनू तो याद हो गया भाई मस्त वाला याद हो गया आज क्लास लंबी चलेगी बेटा आज क्या आर एफ बी डी नहीं है डाल दे उसको डाल दिया नहीं है आज क्लास लंबी चलेगी बेटा आर एफ बी डी आज नहीं है आज टाइम मिला नहीं पेपर ही नहीं बना पाए हो गया भाई चल ले तो पढ़ना ही तो है एक ही बात है कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को फिर करना तो अपने घुसको भी तो करना ही है अब लेते खेलुआ कितने बच्चों को आ गया खेलुआ खेलुआ कितने बच्चों को आ गया सबको आ गया भाई पौधे जो उखड़ गए वापस लगा दो खेलुआ हो गया राइट अब लेते धान में कौन कौन से खरपतवार नासी यूज करते हैं मेजर हर्बिसाइड मेजर हर्बिसाइड तो दान में सबसे ज्यादा प्रोपेनिल या स्टाम ऐप चौतीस यूज करते हैं ये है ना भाई सबसे मेजर मुख्य खरपतवा ये क्वेश्चन हर मतलब बहुत बार एग्जाम में आता है बहुत बार एग्जाम में, में आता रहता है बहुत बार आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा खरपतवार नाशी डालते हैं प्रोपेनिलिया स्टाम एप चौतीस प्रोपेनिलिया स्टाम एप चौतीस ये इसकी मुख्य खरपतवार नाशी है मेजर हर्बिसाइड बेटा मेजर हर्बिसाइड है इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं मेजर हर्बिसाइड है, है सबसे ज्यादा यूज करते हैं एप चौतीस को बहुत इंपॉर्टेंट वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है कब देते इसको इसको देते हैं रोपाई के एक सप्ताह बाद रोपाई के सिक्स टू देखो क्या लिखा है सिक्स टू एट डेज आफ्टर प्लांटिंग जब तीन से चार पत्तियां आ चुकी होती है तीन चार पत्ती अवस्था पर या फिर अंकुरण के बाद ही प्रयोग करते हैं एकमात्र है जो रोपाई या अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाता है बाकी अंकुरण से पहले ही प्रयोग किया जाते दान में दान में सारे थरपतवार नासी, सारे साक नासी हमेशा अंकुरण से पहले डाले जाते हैं और यह एकमात्र जिसको अंकुरण के बाद में डाला जाता है तो प्रोपेनिल, प्रोपेनिल अंकुरण बाद डालते प्रोपेनिल प्रोपेनिल अंकुरण बाद डालते बेटा बाद में डालते अंकुरण के बाद में उसके बाद आ जाओ नंबर टू ब्यूटाक्लोर या मेचेटी ब्यूटाक्लोर या मेचेटी इसको अंकुरण से पहले डालते हैं और कितना डालते हैं डेढ़ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मैचेटी कौन सा चेटी मैचेटी फिर आ गया बेन्थियोकार बेन्थियोकार को सेटर्न भी बोलते हैं बेंथियोकार को सेटर्न भी बोलते हैं ये भी अंकुरण से पहले ही डाला जाता है मात्रा रहती है इसकी डेढ़ थी टी। याद भी होनी चाहिए नाम भी मेचेटी ये डेढ़ के जी पर हेक्टेयर डालते हैं तो बेंथियोकार्बिया कार्ब या सेटर्न भी लगभग यही मतलब दो के जी प्रति हेक्टेयर डालते हैं आपको इनमें से ना कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा बहुत मोस्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इसका, ये तो ज्यादा मोस्ट है कि दान में कौन सा खरपतवार नाशी या हर्बिसाइड ज्यादा यूज करते हैं प्रोपेनिलिया है, स्टाम मेजर है सबसे ज्यादा यूज करते हैं एक सप्ताह बाद में डाल अंकुर के बाद में डालते हैं बाकी सबको पहले ही डालते हैं राइट तीन चार पत्ती अवस्था पे या छह से आप सिक्स टू एट डेज आफ्टर प्लांटिंग इसका यूज करते अगला आ गया एनिल फोस एनिल एनिलफोस लेते हैं 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर नर्सरी में और 2 के प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व या फिर अंकुरण के तुरंत बाद बाद भी ले लेते ले हैं ले ले। जस्ट में में तो ये सब में आ गया अंकुर अंकुरण से पहले भी लेते हैं या अंकुरण के तुरंत बाद में लेते ले हैं ठीक है बेटा तो एक एनिल फोस आपके बीच में है जो चार ग्राम पर हेक्टेयर लिया जाता है या ये तो कब लेते हैं चार सौ ग्राम पर हेक्टेयर दो तो? नर्सरी में नर्सरी में तो कितना लेंगे भाई एनिल एनिलफोस को एनिल फोस चार सौ ग्राम पर हेक्टेयर तो नर्सरी में और दो के जी पर हेक्टेयर लेते हैं अंकुरण से पहले या अंकुरण के जस्ट बाद में ठीक है तो ये दोनों में आ गया पहले भी बाद में भी वो एक था जो अंकुरण के बाद ही प्रयोग हो रहा था पहले आया था ना कौन सा वाला कौन सा भाई प्रोपेन या स्टाम चौतीस ये दोनों में आ रहा है इज इट क्लियर नर्सरी में कितना डालेंगे चार सौ ग्राम पर हेक्टेयर और खेत में कितना डालोगे दो के जी पर एक्टिव ठीक है इसको बोलते हैं अर्ली पोस्ट इमरजेंस तुरंत ही डालेंगे एक आता है नाइट्रोफेन नाइट्रोफेन भी लो लेंड राइस में अंकुरण से पहले ही प्रयोग करते हाई कोरते, कोरते। अंकुरण से पहले ही प्रयोग करते डलवा दी वो मैं नहीं लगेगी परवाही चीज की तो इंटरकल्चर भी पूरा हो गया बाप इंटरकल्चर भी पूरा हो गया ये नाइट्रोफेन आ गया भाई बता दिया नाइट्रोफेन लो राइस में अंकुरण से पहले डालते उसको हो गया वो मानस को कह रहा हूं मैंने कहा लिंक उसको डाल दे भाई नहीं लगेगी इनफॉर्म कर दे सारे देख रहे हो सर डाट रहे मुझे पता है शैतान हो तुम बचपन से ही। लो भाई नया टॉपिक स्टार्ट देखो क्या जर से पीले पीले चावल गिरे जा रहे हैं सोने जैसे दिस इज गोल्डन राइस गोल्डन राइस सुनहरा चावल है ना सोने जैसा चावल है या जागने जैसा चावल है नहीं नहीं सोने जैसा किसने डेवलप किया था इस गोल्डन राइस ये डेवलप किया था इंगोपोट्राइकस गोल्डन राइस 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 इंगोपोट्राइकस इंगोपोट्राइकस गोल्डन राइस ये क्यों पीला हो गया भाई चावल पीला क्यों हो गया सफेद सफेद था मैंने तो आज तक सफेद सफेद ही चावल खाए पीला कैसे हो गया तो इसमें क्या करते बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन वाला जीन ट्रांसफर कर दिया गाजर का जो बीटा कैरोटीन का जीन गाजर का गाजर में बीटा कैरोटीन अच्छा होता विटामिन आज का बीटा कैरोटीन कल का विटामिन उसका बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन निकाला ठक से डाल दिया इसके अंदर तो इसके अंदर भी बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए अच्छा होने लग गया पेड़ो पेड़ो चावल विटामिन ए ज्यादा तो गोल्डन राइस में किसकी अधिकता होती है बीटा कैरोटीन वाला जीन डाल दिया इसके अंदर तो बीटा कैरोटीन बनने लगी बीटा कैरोटीन क्या है विटामिन ए ला भाई गोल्डन राइस एंगोपोट्राइकस गोल्डन राइस इंगो पोट्राइकस बीटा कैरोटीन वाला जीन डाल दिया बस मोडिफाइड हो गया और विटामिन ए भंडार हो राजा गोल्डन राइस में विटामिन ए का तो भंडार हो राजा विटामिन ए का तो भंडार हो राजा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस की तीनों लाइन वेरी मोस्ट है इंगो पोट्राइकस ने डेवलप किया इंगो पोट्राइकस ने डेवलप किया बीटा कैरोटीन वाला जीन धान में चावल में ट्रांसफर किया तो चावल भी गाजर की तरह पीला हो गया और विटामिन ए बनाना शुरू कर दिया विटामिन ए बन गया इसके अंदर भी तो विटामिन ए से भरपूर चावल है तेरा गोल्डन राइस सुपर राइस ये तो सुपर राइस 25 परसेंट ज्यादा ओपज ये तो है सुपर राइस पच्चीस परसेंट ज्यादा उपज ये तो है सुपर रॉइस पच्चीस परसेंट ज्यादा उपज ये तो है सुपर रॉइस पच्चीस परसेंट ज्यादा सुपर राइस पच्चीस परसेंट ज्यादा उपज इसको डेवलप किया डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश तो भैया हम भी खुश डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश तो हम भी खुश तो डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश द्वारा आई आर आर आई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में इसको डेवलप किया गया इसलिए डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुशको ही डॉक्टर गुरुदेव सिंह को हाँ जीएस खुश इनको फादर ऑफ सुपर सुपरस कहा जाता है गुरुदेव सिंह खुश ने इसको डेवलप किया आई आर आर आई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में बस जंदाड़ को धन देख लो आज को धन देख लो इनको कहने लगे फादर ऑफ सुपर कहते हैं भैया इनको हो गया हो गया हाँ लास्ट बेनोस हो गया वही वही बिल्कुल सही बात है वो लास्ट बेनोस हुआ नहीं है जी एक्चुअली वो नजदीक में लास्ट बेनोस है उसके 50 किलोमीटर मैंने एक दिन पूरी डिटेल बताई थी किराया भी बताया था भाई कितना किराया लगता है एक दिन हुआ लास बेनोस नहीं पहले भी लास बेनोस में ही था पहले मनीला बड़ा शहर था ज्यादा यूज करते थे अब लास बेनोस दिखने लगे मनीला के लास बेनोस के 55 किलोमीटर का गेप है पहले भी वही था इंस्टीट्यूट आसानी से हिलते नहीं है ठीक है भाई तो ये तो शिफ्ट नहीं किया गया एक्सक्यूज मी चलिए कोई बात नहीं अब लेते प्रोसेसिंग ऑफ राइस प्रोसेसिंग ऑफ राइस चावल में क्या क्या प्रोसेसिंग करते हैं मतलब क्या क्या संसाधन करते हैं क्या क्या प्रसंस्करण करते हैं प्रसंस्करण करते हैं प्रसंस्करण करते हैं प्रसंस है. क्या क्या प्रसंस्करण करते हैं हम्म क्या क्या करते हैं? ले लेते प्रसंस्कर एक तो बेटा मिलिंग करते हैं। देखो चौवन पॉइंट सात किलोमीटर बताओ चलिए मेरी आवाज धीमी है नहीं यार मेरी आवाज तो भैया इतनी खतरनाक है कि बिना माइक के लोग सुन लेते हैं है ना बेटा बहुत तेज है आपके मोबाइल की आवाज शायद बढ़ा लेते हैं आप बढ़िया लगता मजा आ जाता तो चावल का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग ऑफ राइस उसमें पहला काम कर रहा है मिलिंग मिलिंग में क्या करते हैं चावल के दानों के साथ मतलब चावल के दानों पे करते हैं पोलिश 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 और उस पोलिश जब कर रहे होते हैं ना बेटा तो केवल तीन चीज को छोड़ते हैं बाकी तो खत, बाहर निकाल देते हैं। बाकी दो तो बाहर निकाल देते एक तो एल्यूरोन किसी ने नाम सुना एल्यूरोन रोन 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 एल्यूरोन रोन रोन ठीक है बेटा एल्यूरोन जानता है कोई एल्यूरोन किसे कहते हैं जो अनाजों में प्रोटीन पाई जाती है अनाजों में जो प्रोटीन होती है ना बेटा अनाजों में प्रोटीन ऑफ द सीरियल्स प्रोटीन ऑफ द सीरियल्स इज कॉल्ड एल्यूरोन क्या बात कर रहे हो अनाजों की प्रोटीन को एल्यूरोन कहते हैं जी हा प्रस ऑफ द सीरियल अनाजों में जो प्रोटीन होती है उसको स्पेशल बोलते हैं तो एलूरोन को छोड़ दो एक को छोड़ दो, ठीक है बेटा एक कार्बोहाइड्रेट जो उसके अंदर है, उसको छोड़ दो बाकी सबको हटा दो दिस इज मिलिंग 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 मिलिंग, वट मिलिंग? जब चावल के पोलिस कर रहे होते पोलिस उस समय एल्यूरोन को छोड़ दो भ्रूण को छोड़ दो एम्ब्रियो को छोड़ दो और कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दो बाकी सबको हटा दो दिस इज मेलिंग मेलेंग मेलेंगे अब दाने में जो है ना बेटा हाँ थान की कमी हो जाती है विटामिन बी की कमी और बी में भी स्पेशली किसी कमी हो जाती है जब आप मिलिंग करेंगे सारी चीजों को हटा रहे हो केवल एल्यूरोन रख रहे हो केवल भ्रूण रख रहे हो केवल कार्बोहाइड्रेट रख रहे हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा पता है आपको ऐसी स्थिति में ना विटामिन बी और बी में भी जो थाइमिन है उसकी कमी हो जाएगी अगर पॉलिस किए हुए या मिलिंग किए हुए चावल को कोई आदमी लगातार खाता है तो बेरी बेरी उसको हो जाता है देखो किस किस को मिलिंग परफेक्ट समझ में आ गई मिलिंग मिलिंग चावल के दानों में जब पॉलिश कर रहे होते हैं उस समय एल्यूरोन को छोड़ देते हैं भ्रूण को छोड़ देते हैं एम्ब्रियो को कार्बोहाइड्रेट बाकी सबको हटा देते हैं ऐसा करने से विटामिन बी कम हो जाएगा और बी में भी स्पेशली थाईमीन कम हो जाएगा और थाईमीन कम हुए मतलब मिलिंग किए हुए चावल को अगर लगातार कोई खाता है तो उसके तो विटामिन बी या थाइमीन विटामिन बी या थाइमीन कम हो जाएगा और थाईमीन की कमी होती ही उसको हो जाती है बेरी 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 बैरे बैरि बैरे बैरि बैर बैरि राइट right? अब पोलिस कैसे करते हैं मिलिंग तो हो गया चलो भाई हटा देना वो तो मिलिंग हो गया अब ये पोलिश कैसे करते हैं भाई तो नेक्स्ट क्रिया आ गई पोलिशिंग ऑफ राइस 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 पोलिसिंग ऑफ राइस पॉलिसिंग ऑफ राइस।, राइस जब आप मिलिंग किए हुए दाने से जो मिलिंग हो चुका ना मिलिंग में क्या क्या बताएगा कोई मुझे आपने मिलिंग में केवल एल्यूरोन सोडा, आपने भ्रूण छोड़ा और कार्बोहाइड्रेट छोड़ा बाकी सबको हटा दिया अगर उसी मिलिंग के वे जो दाने उसको हाँ उसके ऊपर का छिलका हटा दे ब्रान, बी आर एन उसको हटा दे और दाने की सतह को एकदम सॉफ्ट बना दे चावल को एकदम सॉफ्ट बना दे इस क्रिया को कहते हैं पोलि सिंह ब्रान हटा दो पोलि सिंह ब्रान यानी चोकर है चोकर चोकर अगर आपने उसकी राइस ब्रान हटा दिया ऊपर का छिलका हटा दिया उसका तो वो बन जाएगा पोलिसिंग क्रिया पोलिस तो मिलिंग किए हुए मतलब जिसको आपने छील चुके हो पहले उसके जो बारीक एक छिलका और रह जाता है जिसको राइस ब्रान के नाम से जाना जाता है उस राइस ब्रांड को अगर आपने हटा दिया और दाने को बिल्कुल ही मुलायम टाइप में बढ़ा दिया इस क्रिया को कहते हैं पॉलिसिंग ऑफ राइस पॉलिसिंग ऑफ राइस पॉलिसिंग ऑफ राइस पॉलिसिंग लो भाई दिखा दिया ना जो मिलिंग किया हुआ दाना है उसके बारीक एक चिपका सा राइस ब्रांड आता है राइस ब्रांड उस राइस ब्रांड या राइस चोकर को हिंदी में चोकर कहते हैं उसको हटा दो और दाने की सतह को एकदम चिकनी बढ़ा दो दैट इज पॉलिशिंग ऑफ राइस बेटा आवाज़ दे दो। पॉलिसिंग ऑफ राइस गेट लगा दी गेट गेट लगा हो गया भाई हो गया अब लेते पेरा बोइलिंग फिर एक नई क्रिया आ गई प्रोसेसिंग में पेराबलिंग पेरा बोइलिंग पेरा बोइलिंग पेरा पेरा में क्या करते हैं हां विटामिन बी बारह को बचाने की कोशिश की जाती है कि कैसे भी करके विटामिन बी बारह बच जाए तो बी बारह पोषक मान मतलब विटामिन बी बारह को बचाना उसकी गुणवत्ता है ना गुणवत्ता और पकाने के गुण में सुधार करना तो उससे पहले जो मिलिंग करते हैं ना मिलिंग 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 शुरू में आई थी मिलिंग मिलिंग किसी को याद हुई क्या मिलिंग एल्यूरोन रखते हैं भ्रूण रखते हैं कार्बोहाइड्रेट रखते हैं है, बाकी सबको हटा देते हैं तो वो मिलिंग थी तो मिलिंग करने से पहले शुरू शुरू में मिलिंग करने से पहले क्या करते हैं बिना छिलके का दाना लेते हैं और उसको गर्म पानी में रखते हैं यानी कि उसको हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट देते हैं दिस इज पैरा बॉइलिंग दोबारा सुनना विटामिन बी बारह का संरक्षण करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व इसके लिए उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए उसको पकाने से पकाने गुण में सुधार लाने के लिए मिलिंग से भी पहले मिलिंग से पहले ऊपर ऊपर का जो मेन छिलका है उस मेन छिलके को हटा के मैं ब्रान नहीं बता रहा हूं ब्रान अलग होता है एक छिलका ऊपर ऊपर आता है उसको वो छिलका ही है हैुल या हल बोलते हैं उसको उस छिलके को क्या करेंगे हटा देंगे और उस चावल को देंगे हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट मतलब थोड़ा गर्म और टेम्परेचर और पानी और गर्मी देंगे थोड़ा पानी में रखेंगे गर्मी देंगे इस क्रिया को बोलते हैं पेरा बॉइलिंग तो पेरा बॉइलिंग का एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छे वाला कि इसमें मेन काम क्या है विटामिन बी ट्वेल्व को बचाना अगर पेराबोलिंग नहीं करेंगे ना तो विटामिन बी ट्वेल्व की हानि हो जाएगी तो मिलिंग से पहले जलताप उपचार कहलाता है मिलिंग मिलिंग से पहले मिलिंग से पहले अगर चावल को आप हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हैं मिलिंग से पहले अगर चावल को आप हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हैं मतलब जलता उपचार कर रहे हैं जिससे उसका विटामिन बी टू बच जाए उसके अंदर ना ए, क्वालिटी उसकी बढ़िया हो जाए और पकने का गुण भी अच्छा हो जाए आराम से पकना शुरू कर दे चावल बाद में इस इन तीनों चीजों का उद्देश्य लेके अगर आपने उसको पानी से गर्म पानी और पानी और गर्मी दे दी मतलब ट्रीटमेंट दे दी हाइड्रोथर्मल इस क्रिया को बोलते हैं पेरा बॉइलिंग पेरा बॉइलिंग पेरा बॉइलिंग और पेरा बॉइलिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है विटामिन बी टू वालो बचाओ क्वालिटी सुधारो पकने के गुण में भी सुधार कर दो हो गया भाई क्लियर भाई क्लियर होने चाहिए बेटा ऐसे नहीं मैं तो कंफ्यूज हो गया मेरे तो ये हो गया यार मेरे तो ना मम्मी थी नहीं घर पे ऐसे नहीं परफेक्ट एकदम मस्त होने चाहिए कुछ भी पूछे हाँ सर ये होता है ये होता है पेरा बोइलिंग हरा अब लेते भूरा चावल ब्राउन राइस अगर धान से केवल बाहरी आवरण हटाओ छिलका हटाओ तो अंदर से ये जो सफेद चावल आते हैं ना सफेद आप जो खाते हैं वो तो कई प्रोसेसिंग मिलिंग और और फिलिंग सबसे गुजर के फिर वो वाइट कलर में होते हैं एक्चुअली जो चावल होता है उसका जैसे आप छिलका हटाओगे तो भूरे रंग का होता है तो धान से जैसे ही या चावल से धान से हटाओगे भाई धान क्या होता है छिलके वाला चावल तो धान से केवल उसके बाहरी आवरण को हटा दो आप जिसको आप हस्क या भूसी कहते हैं उसको हटा दो तो अंदर से निकलता है बुरा 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 बुरा, बुरा चावल 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 छिलका हटाया बुरा दान बुरा दाना आया कहलाता है ब्राउन राइस इसका तो गाना याद कर लो छिलका हटाया छिलका हटाया बुरा चावल आया पूरा चावल आया बस वही भूरा चावल है वही ब्राउन राइस है तो दान से जब केवल बाहरी छिलका हटाते हैं तो उसके बाद बुरा बुरा चावल निकलता उसी को बुरा चावल कहते हैं कितना मोस्ट कंसेप्ट कितनों खतरनाक बाहर का छिलका हटाया, अंदर से बुरा बुरा चावल आया उसी को बुरा चावल कहते हैं वाह, इतना भी कोई चीज़ होती है क्या दुनिया में? सिर्फ छिलका हटाया बुरा चावल आया बुरा चावल सिर्फ ऊपर का छिलका हटाया अंदर से बुरा चावल आया वो बुरा चावल ही कहलाया ब्राउन राइस कहलाया बेटा तो ये प्रोसेसिंग के कुछ पॉइंट्स थे जो कोशिश किए मुझे मैं समझ में आ जाए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा सिर्फ तीन मिनट में सारा रिपीट कर रहा हूं सबसे पहले मिलिंग बताया मैंने मिलिंग में क्या करते हैं एक तो एल्यूरोन लेयर मतलब अनाजों की प्रोटीन जिसको एल्यूरोन कहते हैं उसको बचाया जाता है भ्रूण को बचाया जाता है कार्बोहाइड्रेट को बचाया जाता है बाकी सबको हटा देते हैं इससे विटामिन बी विशेष रूप से थाईमीन की हानि हो जाती है इसलिए मिलिंग किए हुए चावल खाने वालों में बेरी बेरी होना एक कॉमन बात है एक सामान्य बात है फिर मैंने पोलिस क्रिया बताई मिलिंग किए दाने के जो ऊपर का ब्रान हटा दे ब्रान 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 चौकर तो उसके बाद दाना हो जाएगा मुलायम इस क्रिया को कहते हैं पोलिस क्रिया राइट पेराबोलिंग क्या होता है मिलिंग से भी पहले मिलिंग से भी पहले जो भूरा चावल निकलता है ना छिलका हटाने के बाद उस बूरे चावल को ना हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो विटामिन बी ट्वेल्व को बचा ले गुणवत्ता को बचा ले पकाने के गुण में सुधार हो जाए वो पेराबोलिंग है ब्राउन राइस क्या होता है सिर्फ ऊपर का हल लटा दिया आपने छिलका तो अंदर से बुरा बुरा चावल निकल के आ जाता है बस अब आ गई उपज कितना देता उपज तो देखो उपज जो है ना बेटा वो एरिया वाइज अलग अलग होती है बुकों में भी अलग अलग दिखी रहती है तो फिर भी अगर आपने अपनी तरफ से बेहतरीन करने की कोशिश की है तो 35 से 50 क्विंटल बेस्ट बेस्ट से बेस्ट है और अगर नॉर्मल भी आपने कर लिया ना नॉर्मल भी ज्यादा बढ़िया मेहनत नहीं किया बढ़िया खाद नहीं डाला ब्राउन मेन्य नहीं की तो भी 20 से 30 क्विंटल तो बैठ ही जाता है देखो 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 याद करो यील्ड कितनी हो रही है अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे गए बेस्ट काम किया सारा तो 35 से 50 क्विंटल पर एक्टर तक चली जाती है लेकिन अगर आपने नॉर्मली भी थोड़ा सा ना ज्यादा ध्यान नहीं भी दिया तो भी भैया बीस से तीस क्विंटल तो चावल हो ही जाता है चावल हो ही जाता है उसको कर दिया कि से प्राइवेट तो पके हुए चावल पके हुए चावल में जो सत्संजन पाया जाता है या मुलायमपन पाया जाता है मुलायम चावल होता है या संसन जो होता है ना सत्स जानते हो सहसंजन, आपस में चिपकना समान अणुओं का आपस में चिपकना उसका कारण होता है एमाइलेज और एमआई वो डिपेंड करता है एमाइलेज और एम के अनुपात पर देखो देखिए पके हुए चावल जब आपने चावल को पका दिया तो वो आपस में चिपका हुआ है या बिखर रहा है या मुलायम वाक हुआ, नहीं हुआ वो डिपेंड करता है कि तो के उपर, के ऊपर ऊपर एंजाइम और दूसरा डिपेंड करता है एम मतलब इन दोनों के अनुपात पर डिपेंड करता है दोनों का क्या रहता है अनुपात उसी के हिसाब से होता है चिपचिपापन आपस में या मुलायमपन ये भी पूरा हो गया अब आ जाओ भंडारण स्टोरेज तो भंडारण के समय दाणों में नमी कितनी रखते हैं तो भंडारण के समय 10 परसेंट से ज्यादा नमी नहीं रखते हैं मतलब हमेशा 10 परसेंट या कम नमी ही रखते हैं तो so, चावल का भंडारण करते समय दाणों में कितनी नमी रखनी चाहिए 10 से ज्यादा कभी नहीं रखनी चाहिए 10 से ज्यादा कभी नहीं रखनी चाहिए हाँ दस परसेंट से कम ही रखनी चाहिए इज इट क्लियर अब आ जाओ क्रॉप रोटेशन कौन कौन सा क्रॉप रोटेशन ले सकते आप चावल के बाद में मतलब धान के बाद में गेहूं बो सकते हैं धान के बाद में ना आप चना बो सकते हैं हाँ चावल के बाद गेहूं और गर्मियों में मूंग बो सकते हैं राजस्थान के लिए और चावल को बाद में रबी में मक्का भी बो सकते हैं है। हो गया भाई अब एक और राइस आता है बेटा जिसको बोलते हैं एरोबिक राइस मतलब वायवीय धान धान हवा वाला जिसकी खेती ना ज्यादा पानी वाणी में नहीं करते हवा में करते हैं मतलब मतलब कम पानी में करते हैं हवा में तो नहीं करते है, करते हैं, मिट्टी में ही है तो धान की कुछ वेराइटीज आती है बेटा वायुव्य किस में आती है उनको जल निकास मतलब पानी निकाल देते हैं पडलिंग भी नहीं करते हैं पानी भरते भी नहीं है फिर प्रोडक्शन ले लेते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एरोबिक 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 राइस 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 तो धान की किस्मों को हवा में मतलब बिना पानी के होने वाली वेराइटी को क्या करते हैं देखो धान की वायु जो वेराइटी एरो वेराइटी है जो पा, जिनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए उनको वाटर ड्रेनेज पानी को खेत से निकाल देते हैं और कोई पडलिंग नहीं करते और असंतर दशाओं उगाते हैं पानी भरते भी नहीं उसके बाद उगाते हैं उसको बोलते हैं एरोबिक राइस एरोबिक राइस एरोबिक राइस इस एरोबिक राइस से प्रोडक्शन कितना मिल जाता है तो अगर अच्छा प्रबंध किया हुआ है सब कुछ बेस्ट किया हुआ है तो चार से छह टन इससे भी मिल ही जाता है बिना पानी के भी चावल उगाया ना आपने तो चार से छह टन तो मिल ही जाएगा मिल ही जाएगा बेरा रे मिल ही जाएगा नान्या रे मिल ही जाएगा तो दान तो मोटो मोटो पू्योर रे बापो अब रहा क्या है अब रह गए तो डिसऑर्डर एक रह गए इंसेक्ट एक रह गई डिजीजेज तो अभी हम लोग ना डिसऑर्डर तो अभी करेंगे बाकी डिजीज हो रही है अगली क्लास में करेंगे तो डिसऑर्डर कौन कौन से लगते हैं तो सबसे पहला डिसऑर्डर आपके बीच में है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर खेरा खेरा रे रखेरा खेरा खेरा रे रान में हो वे खेरा खेरा और होता किससे खेरा जानते हो यहां पर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर शुरू हो गए बेटा और दान का खेरा रोग होता है जिंक की कमी से खेरा ये रोग जिंक की कमी से खेरा रोग जिंक की कमी से खेरा रो जिंक की कमी से खेरा रोग ठीक है जिनकी कमी से खेरा रोग हो गया इसको सबसे पहले देखने वाले थे डॉक्टर वाई एल नैने नेने नेने। खेरा रोग को सबसे पहले किसने देखा डॉक्टर वाई एल नैने कहां पर देखा पंतनगर उत्तराखंड में तो खेरा वाज फर्स्ट सीन बाई डॉक्टर वाई एल नैने इन पंतनगर उत्तराखंड वाह क्या क्वेश्चन है वाई एल नैने पंतनगर उत्तराखंड वाई एल नैने पंतनगर उत्तराखंड ये जहां पानी ज्यादा होता ना देखो पानी ज्यादा होने से जिंक कम मिलता है तेरा परसेंट दे रखिए हाँ चल जाता है चल जाता है दस के आसपास कोई दिक्कत नहीं दोबारा सुनना भाई जहां पानी ज्यादा भरता है ना बेटा पानी ज्यादा भाई धान में तो पानी भरोगे ही तो पानी भरोगे तो जिंक क्या होता है वाटर लोग्ड कंडीशन में जिंक कम मिलता है क्या बात कर रहे हो हाँ। जिंक कम मिलता है सल्फेट भी सल्फाइड बन जाता है हा अरे पानी भरने पे जिंक की अवेलेबिलिटी कम, तो कम हो जाती है बेटा राइट तो इसलिए जिंक की कमी हो जाती है पानी भरने पर होता है क्या इसमें तो जिंक देखो जिंक की कमी से होता है वेरी मोस्ट है ना बेटा रोपाई के दो से तीन सप्ताह बाद में इसके लक्षण दिखते हैं क्या लक्षण दिखते हैं पत्तियों के शीर्ष हो जाते हैं पीले पत्तियों के ऊपरी किनारे पीले पीले बाहरी पत्तियों पर कथई रंग के दब्बे भाई ऊपर ऊपर की जो है ना बाहर वो वो किनारा ऊपर ऊपर वाला वो तो हो जाता है उस मतलब ऊपर का जो शीर्ष है ना या भाई दो से तीन सप्ताह बाद पत्तियों का जो टिप है टिप टिप वो हो गया पेड़ा और जो बिल्कुल बाहर वाली पत्तियां पत्तियां अंदर फिर बाहर ऐसे निकलती है इसमें तो बिल्कुल बाहर वाली पत्तियों पे मिलेंगे आपको धब्बे और पौधे रह जाएंगे छोटे छोटे लक्षण आनी चाहिए टिप तो ऊपर टिप तो पेड़ पेड़ बाहर की पत्तियां रस्ट कलर्ड की रस्ट की। और पौधे रह जाएंगे बोने तो जिंक की कम दोबारा सुनना भाई खेरा रोग सबसे पहले भाई ये ने, नगर में उत्तराखंड में देखा जलमग्न क्षेत्रों पानी भरने पे जिंक की कमी हो जाती है उससे होता है और रोपाई के जैसे ही दो तीन सप्ताह होते हैं पंद्रह बीस दिन होते हैं उसके बाद पत्तियों के शीर्ष पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे जिंक की कमी से और बाहर वाली जो पत्तियां हैं बिल्कुल ही बाहर भैया ये पत्तियां ऐसे निकलती है ना गेहूं में जो में एक पत्ती अंदर होती है उसके ऊपर फिर पत्ती लिपटी होती है तो बिल्कुल बाहर वाली जो पत्ती है वो कैसी हो जाएगी रस्ट कलर या ब्राउनिस ब्राउनिश रेड और पौधे रह जाएंगे बोने बोने कंट्रोल बता दो डाल जिंक सल्फेट या तो पॉइंट पांच परसेंट पॉइंट पांच परसेंट जिंक सल्फेट का छिड़काव कर दे नर्सरी में एक या फिर पच्चीस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले जिंक सल्फेट डाल जिंक सल्फेट डाल जिंक सल्फेट डाल 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 जिंक सल्फेट डाल एक तो ये जिंक सल्फेट का क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बार आ सकता ही कि भैया अगर आपको स्प्रे करना है तो जिंक सल्फेट की कितनी परसेंट मात्रा लेनी चाहिए आंसर विल बी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट और अगर पाउडर फॉर्म में देना है तो 25 किलोग्राम प्रति एकटर पाउडर तो वैसे भी आपको पता है कितने दिए जाते है? 20 25 हैं बीस से पच्चीस किलोग्राम प्रति एक्टर देते जाए इंसेक्टिसाइड डालो चाहे कोई और डालो नॉर्मल यही रहता है हो गया क्लियर है भाई अब लेते बीमारी भाई किसको लगता है कि सारा का सारा लाइन टू लाइन उसको परफेक्ट याद हो गया वाई एल ने खेरा रोग देखा पानी भर गया तो जिंक की कमी से ही होता है हमेशा ही है ना बेटा और रोपाई के दो तीन शब्दों बाद पत्तियों के टिप पार्ट पीले पड़ जाते हैं बाहरी पत्तियों पे रस्ट कलर ब्राउनी परसेंट जिंक का छिड़काव कर दो या फिर पच्चीस के पर एक्टर के हिसाब से भूमि में जिंक जिंक है ना जिंक सल्फेट का छिड़काव होता है जिंक सल्फेट डलता है जिंक नहीं जिंक सल्फेट हमेशा क्या डलता है जिंक सल्फेट का छिड़काव भी जिंक सल्फेट का लेकिन आधा परसेंट का और जिंक सल्फेटी पाउडर के रूप में खेत में डाल सकते हैं पच्चीस के पर हेक्टेयर हो गया आकी योची, और की ओची कौन आई आकी योचे अकीोचे आकी, योचे, आकी, योचे। आकी योची कैसे होता है ये बेटा सल्फ एसो टू जो होते ना एसो टू एसो टू उसका हो जाता है अपचयन, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना ध्यान देना इधर SO2 टू सल्फेट SO सॉरी हाँ, एस, सल्फेट सल्फेट का SO4 फोर माइनस टू सल्फेट कहते हैं बेटा इसका अगर रिडक्शन हो जाए अपचयन रिडक्शन का मतलब इसके ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाए हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाए इसका क्या करोगे रिडक्शन अपचयन रिडक्शन क्या होता है अपचयन तो ये एसओ 2 टू माइनस ये कन्वर्ट हो जाएगा अब देखो ऑक्सीजन कम कर दो हाइड्रोजन बढ़ा दो तो इससे बन जाएगी एस टू एस गैस हम्म देखो तो कौन आया है अकीोची आई है ऐसा क्यों होगा बताओ जहां पर पानी भरा रहता है लो राइस में होता है ऐसा लो लैंड राइस में क्या होता है पानी भरे होने से इस पानी की वजह से ऑक्सीजन तो इसकी निकल जाएगी और यहां पर हाइड्रोजन बढ़ जाएगा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और इस हाइड्रो एस्ट्रोएस बढ़ गया ना तो हाइड्रोजन बढ़ने का मतलब एस्ट्रोएस बढ़ गया और इस एस्ट्रोएस गैस की अधिकता से ही हो जाती है अक्ची सल्फाइड का जहरीलापन आ जाता है सल्फाइड टॉक्सिसिटी आ जाती है राइट तो एक तो कारण हो गया ये और एस si आई और एम की कमी भी हो जाती है एस si आई और एमजी सिलिका और मैग्नीशियम की कमी भी हो जाती है तो कारण हो गए दो एच टू एस की अधिकता सिलिका और सिलिका और एमजी की कमी देखो भाई देखो सीखो एच टू एस ज्यादा ज्यादा अकीो चीह हो एच टू एस ज्यादा रक्योची होगी सिलिका कम है कम है कम है कम है मैग्नीशियम कम कम हो गया भाई इसमें होता क्या है है पता आपको जड़े गल जाती है बेटा जड़े गल जाती है मतलब रूट रोट हो जाता है ब्लैक क्राउन हो जाता है और उससे पानी पौधा लेना पानी में या पोषकता तो जाना कम हो जाएंगे जड़े गढ़ गई तो कहां से पानी जाएगा कहां से न्यूट्रिएंट जाएंगे क्लियर चलिए अगला आ गया ब्राउनिंग ऑफ राइस धान का बूरा पल धान का बूरा पल यह ब्राउनिंग ऑफ राइस है बेटा यह होती है आयरन टॉक्सिसिटी से लोहे की ज्यादा मात्रा से लोहे के विशेलेपन से लोहे की अधिकता से होती लोहा ज्यादा काम मिलता पता आपको अम्लीय मृदाओं में तो ये ज्यादा काम मिलेगी आपको जलमग्न अम्लीय मृदाओं में पानी भर गया एसिडिक सॉइल हो गई है ना अम्लीय सल्फेट मरदाएं बढ़ गई उनमें ज्यादा होती है प्रॉब्लम अम्लीय मृदा में लोहा ज्यादा लोहा ज्यादा तो ब्राउनिंग ऑफ राइस अम्लीय मृदा में लोहा ज्यादा लोहा ज्यादा तो ब्राउनिंग ऑफ राइस ब्राउनिंग ऑफ राइस ब्राउनिंग ऑफ राइस हो गया ब्राउनिंग ऑफ राइस बस अब ये ज्यादा कौन से ए, ओर्डर की सोयल्स में होता है अल्टीसोल या ऑक्सीसोल ओर्डर की मरदाओं में या गण की मरदाओं में ज्यादा होता है क्लियर मान इसमें होता क्या है भाई ब्राउनिंग जो लोहे की अधिकता से हो रहा है सल्फेट वाली अम्लीय सल्फेट मरदाओं में हो रहा है इससे होता क्या है इसमें जो नीचे नीचे वाली पत्तिया बेटा नीचे नीचे वाली नीचे वाली उनके सिर से लेके मतलब आगे टिप से लेके, बुरे दब्बे बनना शुरू हो जाएंगे ऊपर से है ना और धीरे धीरे पूरी पत्ती हो जाएगी कैसी हरी या ओरेंज रंग की हो जाएगी एक किस्म जिसमें फर्क नहीं पड़ता फाल देखो 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 क्या कह रहा है कि भैया समझ में आ रहा है क्या एक बार छोटा देखो बोरापन या ब्राउनिंग में क्या हो रहा है कि जो पत्तिया निचली पत्तियां तो ना ये ब्राउनिंग रंग के डब्बे बढ़ेंगे और ये फैलते फैलते पौधे की सतह पे पूरे पौधे पौधे की पूरी पत्तियों में फैल जाएंगे और पत्तिया हाँ फिर आगे चल के हरे रंग की या ऑरेंज जैसी बन जाएगी ऑरेंज कलर की एक वेराइटी में नहीं लगता फालगुणा फालगुना फालगुना लोहे का टॉक्सिसिटी फालगुना को लोहे से कोई फर्क नहीं पड़ता है फालगुना को ऐसा ही बनाया गया है कि लोहे वाली जो प्रॉब्लम है ना इसमें नहीं आती आयरन टॉक्सिसिटी से प्रतिरोधी है ठीक है भाई आयरन टॉक्सिसिटी से प्रतिरोधी होती है तेरी फालगुना इज इट क्लियर पहले बताया था मैंने हो गया लास्ट आ गई दान का सिलिकन लास्ट डिसऑर्डर आ गया दान का सिलिकन सिलिकन इन राइस दान की फसल के लिए पता है आपको सिलिकन चाहिए दान की फसल के लिए ये बिना माता पिता के लगाम के बच्चे जिनके घर पे कोई शायद मुझे लग रहा है नहीं कोई समझदार आदमी कोई है ही नहीं बेचारा कौन सा चारा बेचारा दान की फसल को सिलिकन चाहिए बेटा दान की फसल को सिलिकन चाहिए सिलिकन चाहिए सिलिकन चाहिए सिलिकन चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए 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 कि नहीं चाहिए चाहिए राइट है ये क्या काम आता है दान के लिए ये कीटों से रोगों से बचाता है दान को पौधे पर मोटी क्यूटिकल बना देता है जिससे कीटों को रोगों का प्रकोप नहीं होता सिलिका परत बन जाती है इसको कहते हैं सिलिकन बस इसी को बोलते हैं सिलिकन सिलिका लेयर बन जाए ना क्यूटिकल सिलिका लेयर उसी को सिलिकन के नाम से जानते हैं हालांकि डिसऑर्डर नहीं है है ना तो दान का सिलिकन क्या हो गया दान की फसल के लिए सिलिकन बहुत इंपॉर्टेंट है रोगों कीटों से बचाने के लिए चाहिए मोटी लेयर बना देगा उसी लेयर को बोलते हैं सिलिकन लेयर तो सिलीकन लेयर भी इसके अंदर बनती है आज हम लोग इतना ही रखेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके इंसेक्ट और डिजीजेज रह गए जो हम लेंगे कल वो भी पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाऊंगा बेटा पूरा डायग्राम दिखाऊंगा कैसे पत्ती पीली पड़ती है और कैसे बीमारियां लगती है कैसे कीड़ा खाता है सारा दिखाऊंगा ठीक है आधा घंटे बाद में एनिमल हस्बेंड्री की क्लास है जहां पर हम लोग ना भैंसों से संघर्ष कर रहे होंगे राइट है तो आधा घंटे बाद फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी को नमस्कार खुदा राम राम सर एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोडिया जयपुर राजस्थान एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं नॉर्थ इंडिया का किंग कौन फैसला आप करें राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की आठवीं रैंक और सामान्य वर्ग की साठवी रैंक राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से आठ विद्यार्थी टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोडिया के बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की तिरसठ परसेंट सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा जहां नब्बे प्रतिशत बच्चे कर रहे हैं बारहवीं के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजधानी मचा रहे धूम बारहवीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर यश शर्मा ने तीन सौ नंबर इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है दो करोड़ साठ लाख रूपए की स्कॉलरशिप कक्षा बारह के परिणाम में सत्तानवे प्रतिशत या अधिक एक विद्यार्थी तिरानवे अधिक ग्यारह विद्यार्थी नब्बे प्रतिशत अधिक चालीस विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट में सौ प्रतिशत लाने वाले दो विद्यार्थी नन्यानवे प्रतिशत या ज्यादा लाने वाले विद्यार्थी अधिक लाने वाले उन्नीस विद्यार्थी नब्बे परसेंट अधिक लाने वाले एक सौ तिरसठ विद्यार्थी दसवीं से बारहवीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की उनचालीस परसेंट की रिकॉर्ड वृद्धि रिंकू यादव ने 36 की सैतीस परसेंट की वृद्धि नरेश पाटीदार ने छत्तीस परसेंट की वृद्धि प्रकृति की गोद में दस बीघा में फैला विशाल कैंपस आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज होस्टल्स राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोरिया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी आई सी आर जेट बी एच यू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इलेवन ट्वेल्थ क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध ग्यारहवीं बारहवीं के साथ और इसके बाद भी ICRZ, BHU बी एच यू की क्लासेज उपलब्ध राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेई राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आई सी आर जेट बी एच यू राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर आल अकेडमिक क्लासेज राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक साथ ही विजिट करें डब्ल्यू 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 डॉट राजधानी ग्रुप डॉट इन हेल्पलाइन नंबर नाइन थ्री वन फोर वन थ्री जीरो वन थ्री जीरो नाइन डबल जीरो वन डबल जीरो वन थ्री वन फोर